Assalamualaikum dear students, so I am here to interact with another paper of your CTS phase 2 physics paper. Test number 5 का paper है ये आपका. That is bulk properties of matter. इसमें जो chapters है solids and fluids and thermal properties of matter. इसमें जो question number 1 आपका जो है, that is calculate the force required to separate the glass plates of area this with a film of a thickness this between them. Surface tension of water is जो आपको दिया गया. तो आपको इसका concept clear होना चाहिए that अगर आप दो glass plates लेते हैं, so they are two glass plates like this, और इसमें एक film of water जो है आ गया है. तो ये है वो थिन फिल्म ऑफ द लिक्विड हियर, तो लाइक दिस. तो कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द ग्लास प्लेट्स ऑफ एरिया दिस विद द फिल्म ऑफ वाटर. वाटर आ गया, इस पर एक फिल्म बना दी उसने, और उसका जो थिकनेस है वो दिया गया है बिटवीन देम. तो थिकनेस इज प्रोवाइडेड हियर, टी थिकनेस इज प्रोवाइडेड. तो हमसे क्या पूछ रहा है, सर्फेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज दिस. हमें फोर्स वो कितना फोर्स चाहिए कि सो दैट हम इन दो प्लेट्स को सेपरेट करें, है ना, एक दूसरे से अलग कर पाए. तो कंसेप्ट इज लाइक दिस कि अगर आप देखोगे यहाँ जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इन टू एरिया. प्रेशर डिफरेंस इन टू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स बाई एरिया. तो फोर्स हो गया प्रेशर डिफरेंस, एंड इन सच केसेस आपने पढ़ा होगा दैट इज सर्फेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ दिस जो फिल्म बनी इधर, एंड मल्टीप्लाइड बाई द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो रेडियस जो है, रेडियस हो गया दिस इज द रेडियस हियर, एंड रेडियस इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, चूँकि आपका डाटा जो है वो थिकनेस के हिसाब से दिया गया है. तो मैं लिख सकता हूँ इट इज फोर्स, इट इज टी. तो आर जो है दैट इज थिकनेस डिवाइड बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ए. आप इसमें वैल्यूज ड्रॉप करिए. फोर्स रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए दैट इज टू. सर्फेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज प्रोवाइडेड दैट इज 17 × 10⁻³, 17 × 10⁻³. उसके बाद आपका जो एरिया है फिल्म का दिया गया, दैट एरिया इज प्रोवाइडेड टू यू पीपल, दैट्स 10⁻², और डिवाइडेड बाय आपका जो है थिकनेस. थिकनेस ऑफ द फिल्म इज 0.05, ये mm है, तो सेंटीमीटर में मतलब इट इज 10 मीटर्स में इट इज 10⁻³. तो अब आप इसमें कैंसिलेशन करिए, तो अगर आप देखेंगे दैट फोर्थ रिक्वायर्ड इज इक्वल, तो ये हुआ 140, तो मैं लिखूंगा 14 इनटू ये हो गया, ये 10⁻⁵, ये हो गया 10⁻⁴, क्योंकि 10 यहाँ से आ गया, डिवाइडेड बाय इट इज़ 5 × 10⁻⁵. तो फिर इट इज़ 14/5, एफ इज इक्वल इट इज़ 14/5, और 10⁻⁵ ऊपर जाएगा +5, और ये बनेगा 10. ना 14/5 इज 2.8, सो 5 × 2 = 10, 4 कैरी आ गया इधर, इट इज 0.58 × 40, इट्स 2.8 × 10. तो फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 28 N शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट दिस ग्लास प्लेट्स, जिनके बीच में ये एक थिन फिल्म बनी हुई है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका, तो ये assertion reason based क्वेश्चन है, और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा. एज सॉलिड मटीरियल इज सप्लाइड हीट एट कंस्टेंट रेट, तो कंस्टेंट रेट हीट सप्लाइड का क्या मतलब होता है? हीट सप्लाइड एट कंस्टेंट रेट मतलब होता है पावर, क्योंकि हीट बाई टाइम, रेट मीन्स पावर. तो हीट सप्लाइड रेट का मतलब होता है पावर कंस्टेंट रेट पे आपने ट्रांसफर किया. एज सॉलिड मटीरियल सप्लाइड हीट एट कंस्टेंट रेट, द टेम्परेचर ऑफ द मटीरियल इज चेंजिंग विद द हीट इनपुट एज शोन द फिगर. तो आपको ये टेम्परेचर वर्सेज हीट इनपुट का ग्राफ कैलोरीमीटर में पता होना चाहिए. तो यहाँ से ओ से ए तक जो है, यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर हो रहा है विदाउट चेंज इन स्टेट. उसके बाद जब ये ए से बी आप देखोगे, तो दिस इज नाउ चेंज इन स्टेट विदाउट राइज इन टेम्परेचर. दिस इज व्हाट वी कॉल एज, अगर ये मटेरियल का पहले आपने माइनस से आपने जीरो पे पहुंचा आइस को, मतलब -20 पे मान लीजिए आइस है, आपने जीरो पे पहुंचाया, तो यहाँ राइज इन टेम्परेचर हुआ. जीरो से फिर आप वाटर एट जीरो लाओगे, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन. उसके बाद फिर से राइज इन टेम्परेचर होगा, अगेन यू नीड हीट टू बी प्रोवाइडेड हियर. सो राइज इन टेम्परेचर इट इज व्हाट वी कॉल एज स्पेसिफिक हीट. उसके बाद आप जो है फिर से यहाँ पे दैट इज चेंज ऑफ स्टेट जो है नहीं हो रहा, चेंज ऑफ स्टेट ही हो रहा है बिल्कुल, राइज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन. और फिर आप ऑनवर्ड्स मूव करोगे. हमें क्या पूछा गया, इफ सी डी इज इक्वल टू आइस ऑफ ए बी, तो सी डी जो यहाँ ग्राफ में है वो टूआइस ऑफ ए बी के बराबर है, देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सबस्टेंस इज डबल दैन दैट ऑफ फ्यूजन. बिल्कुल क्लियर है, देख लीजिए ये फ्यूजन है यहाँ पे, दिस इज फ्यूजन जो मैंने पहले डिस्कशन में आपको बोल दिया, एंड दिस इज योर वेपराइजेशन. अब अगर सी डी जो है वो ए बी से डबल है, अगर सी डी ए बी से डबल है, सो दिस इज योर वेपराइजेशन. यहाँ पे आपका जो लिक्विड है वो वेपर में आ रहा है, और यहाँ से आपका जो सॉलिड है आइस होगा वो वाटर में आ रहा है. तो अगर सी डी इज ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये अगर इससे दुगना है, तो सच्ची बात है, देन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सबस्टेंस इज डबल दैन दैट ऑफ फ्यूजन. तो बिल्कुल सही है. उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज म्यू टाइम्स ए बी, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बिल्कुल कंस्टेंट टाइम्स. तो बिल्कुल सही है. सो इट मीन्स दैट असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, एंड बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, दैट इज
8000 आइडेंटिकल वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, तो आपके पास 8000 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है, 8000 ड्रॉपलेट्स जो है वो कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं जिसका रेडियस हम कुछ आर मानते हैं। तो आइडेंटिकल ड्रॉप्स जो है मैं उनका रेडियस मानता हूँ स्मॉल आर, तो 8000 आइडेंटिकल वाटर ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, देन द रेशियो ऑफ द फाइनल सर्फेस एनर्जी टू द इनिशियल सर्फेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉप्स। फाइनल सर्फेस एनर्जी, तो अगर मैं लिखूंगा सर्फेस एनर्जी फाइनल टू द इनिशियल सर्फेस एनर्जी, इनिशियल सर्फेस एनर्जी, तो फाइनल एरिया होना चाहिए, फाइनल एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बड़े ड्रॉप का, क्योंकि स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और छोटे ड्रॉप्स का क्या हो गया, तो मैं पहले एन की टर्म्स में ये लिखूं, एक छोटे ड्रॉप का एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हर एक का रेडियस में स्मॉल आर लिया, मल्टीप्लाइड बाय एन, क्योंकि 8000 है, फिलहाल मैं एन में फॉर्मूला डेवलप करता हूं, फिर लास्ट में 8000 इसमें ड्रॉप करते हैं। फिर आप जानते हो कि अगर इनमें वॉल्यूम कंजर्वेशन या मास कंजर्वेशन बेस्ड रिजल्ट है, आपने वो पढ़ा होना चाहिए, दैट आर जो बड़ा रेडियस होता है, दैट इज एन रेज पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल आर, क्योंकि अगर आप यहां लिखोगे वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, फिर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा आर बड़े ड्रॉप का रेडियस इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप रेडियस और उसका नंबर, दैट आर इज इक्वल टू एन रेज पावर 1/3 इनटू आर, तो यहां पे जो 4 पाई पहली फुर्सत में उड़ा दो आप, तो आर स्क्वायर आपको चाहिए, तो मैं लिखूंगा इट इज एन रेज पावर 2/3, ये हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो गया एन, और ये आर स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये मैं नीचे लाऊंगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे इट इज 1 डिवाइडेड बाई एन रेज पावर 1 इनटू एन रेज पावर -2/3, तो ये हो गया बराबर 1 बाई एन रेज पावर 3 वन 3 माइनस इट इज 3 इट्स 1/1/3 ओनली। अब आप एन ड्रॉप करिए, 8000 ड्रॉप्स जो है आपके मर्ज हो रहे हैं, तो ये हुआ 8000 और पावर उस पे जो बचा हो 1/3 है, तो आप जानते हो सब इट इज 20 क्यूब होता है 8000 एंड इट्स 1/3 कैंसिल आउट, 1/20 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो 1/20 जो है बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका, इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए एरिया वॉल्यूम और फिर कनेक्शन बिटवीन दैट बिगर रेडियस एंड स्मॉलर ड्रॉप्स का जो स्मॉल रेडियस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, that is work of this joule is required to be done in increasing the size of a soap film from this to this, to soap film ka aapko jo hai increasing the size of a soap film from this to this area from up to this the surface tension of the film is hame surface tension nikalna hai, to aapko formula pata hona chahiye that work done hota hai hamesha surface tension into change in surface area, aur work done aapko to directly provided hai, that is 6 into 10 raised power -4 aapka work done hai, it is equal surface tension aapko nikalna hai, aur ab aapka jo required hai wo hai soap film, jab soap film hota hai to aapko pata hona chahiye लिक्विड ड्रॉप होता तो सिंगल सरफेस है, सोप बबल्स या सोप जो बबल की बात जब चले तो इसमें दो सरफेसेस होती है, तो यहां मल्टीप्लाई जो है वो 2 से करना पड़ता है, दैट यू शुड नो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, अब चेंज इन एरिया हो गया फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, अगर आप फाइनल एरिया देखोगे तो इट इज 11 into 10 दैट इज 110, अब ये सेंटीमीटर है तो मैं बाहर निकालूंगा फिर एरिया में माइनस, तो इनिशियल एरिया जो है दैट्स 10 into 6 दैट्स ओनली 60, और ये एरिया है तो इट इज 10 raised power -4, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हो गया 10 raised power -2 और फिर एरिया में वो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 raised power -4 ये आपको पता होना चाहिए, 10 raised power -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज 2t, और 110 में से 60 जो है वो बनता है, 110 में से 60 50 बनता है, और 50 होता है 100, तो 6 इज इक्वल इट इज 100t, तो t इज इक्वल इट इज 6 divided by 100 एंड देयर फोर t इज इक्वल 6 into 10 raised power -2 इट इज न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ सर्फेस टेंशन, 6 into 10 raised power -2 न्यूटन पर मीटर इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में बच्चा गलती कहाँ करता है, ये 2 भूल जाता है, क्योंकि सो बबल लिखा है तो सो बबल में 2 सरफेसेस होती है, अगर लिक्विड ड्रॉप लिखता है तो हम सिंगल सरफेस और हम टी से ही मल्टीप्लाई करते, तो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2 एयर बबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आईआईटी में पूछा गया, फिर नीट में बहुत बार रिपीट हुआ है, दैट 2 एयर बबल्स ऑफ रेडाई दैट्स 2 mm एंड 4 mm फॉरवर्ड इन द सेम लिक्विड कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग बबल, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड इज दिस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन इंटरफेस, तो यहां डबल बबल बना, तो मान लीजिए आपके पास एक बबल है जिसका रेडियस स्मॉल r1 है और दूसरा बबल है जिसका रेडियस बड़ा है दैट इज r2, क्योंकि आपके बबल्स का रेडियस जो है वो डिफरेंट है, एक का 2 mm है और दूसरे का 4 mm है, फिर बोलता है ये एक दूसरे के साथ मर्ज हुए और एक डबल बबल बना, तो डबल बबल जो है वो ऐसा कुछ बनेगा, तो ये छोटा बबल है, ये छोटा बबल है, और ये डबल बबल के लिए बड़ा बबल आ गया, और जो कॉमन इंटरफेस यहाँ बनेगा, कॉमन इंटरफेस आपने पढ़ा होगा, दिस इज द कॉमन इंटरफेस, ये कॉमन इंटरफेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाते हैं, दैट इट इज ऑलवेज कन्वेक्स टुवर्ड्स द लार्जर बबल एंड कनकेव टुवर्ड्स द स्मॉलर बबल, सर व्हाई कन्वेक्स क्यों लार्जर बबल की तरफ, कनकेव क्यों लार्जर बबल की तरफ,
और कन्वेक्स क्यों स्मॉलर बबल की तरफ, क्योंकि आप जानते हो स्मॉलर बबल में रेडियस कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये कनकेव चला जाता है, कन्वेक्स चला जाता है इसकी तरफ, दैट इज़ इट इज़ कन्वेक्स टुवर्ड्स लार्जर एंड कनकेव टुवर्ड्स स्मॉलर बबल, क्यों ये सरफेस उधर चला जाता है और इसका जो कॉमन जो इस इंटरफेस का रेडियस होता है दैट इज़ इट इज़ आर वन आर टू एंड देन बड़े में से छोटा, तो यहाँ आर टू जो है वो ज़्यादा है तो मैं लिखूँगा आर टू माइनस आर वन, तो यहाँ वैल्यूज ड्रॉप करेंगे, देख लीजिए इट इज़ 2 mm इंटू इट इज़ 4 mm डिवाइडेड बाई इट इज़ 4 माइनस 2, तो ये हुआ 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ 4 mm शुड बी द रेडियस ऑफ दैट कॉमन इंटरफेस, तो कॉमन इंटरफेस का रेडियस हमें मिल चुका है, तो 6 mm बिल्कुल गलत है, 2 mm बिल्कुल गलत है, 4 mm एंड 4 mm दो ऑप्शन बने हुए हैं, फिर आपको वही नॉलेज होनी चाहिए दैट ये जो है कनकेव होता है स्मॉलर बबल की तरफ और कन्वेक्स होता है लार्जर बबल की तरफ, 4 mm कनकेव टूवर्ड स्मॉलर बबल बिल्कुल सही है, 4 mm कनकेव टूवर्ड्स लार्जर तो ये बिल्कुल गलत है, तो इट इज़ कनकेव टूवर्ड स्मॉलर बबल बिकॉज ऑफ हायर प्रेशर एंड कन्वेक्स टूवर्ड्स लार्जर बबल, सो दिस थिंग शुड बी क्लियर टू यू पीपल एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कॉमन इंटरफेस इन केस ऑफ अ डबल बबल सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट या ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, इसमें लिया है मैंने क्लीन लेंथ ही कैपिलरी ट्यूब इज डिपर्ड वर्टिकली इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर द वाटर राइजेज अप टू 8 cm, तो इनिशियली जो वाटर है वो 8 cm तक राइज कर गया, व्हाट विल हैपन इफ अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ, तो दूसरा जो है उसकी हाइट जो है दैट इज 4 cm, तो व्हाट विल हैपन टू द इन द इफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ 4 cm एंड सेम रेडियस, तो रेडियस दोनों ट्यूब्स का सेम है तो रेडियस में कोई चेंज नहीं है, इन द सेम बीकर कंटेनिंग वाटर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इनिशियली जो है 0 degree, तो आपको पता होना चाहिए जो जिस हाइट तक लिक्विड राइज करता है दैट इज 2t cos θ / ρgr, दिस इज अ रिलेशन फॉर हाइट एंड डेप्थ विद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस टेंशन, इट इज ρgr। अब आप देख लीजिए दोनों केसेस में जब आपने पहले जो है ट्यूब डाला जो 8 cm हाइट तक लिक्विड जा रहा था, फिर सीधी बात है अब 4 cm लेंथ, तो बच्चा यहाँ सोचता है दैट लिक्विड विल कम आउट एज अ फाउंटेन, क्योंकि पहले 8 cm की हाइट है और फिर सिर्फ 4 cm का है, बट फिर हम आपको क्लासरूम प्रोग्राम्स में पढ़ाते हैं कि लिक्विड विल नॉट कम आउट एज अ फाउंटेन, देन इट्स अ वायलेशन टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड फॉर दैट हम आपको दो रीजंस बोलते हैं, फर्स्ट कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होता है जब आपका ट्यूब इनसफिशिएंट हाइट का होता है, नंबर नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस चेंज होता है, बट द लिक्विड विल नॉट कम आउट एज अ फाउंटेन, दिस द स्टोरी। अब यहाँ पे देख लीजिए आप नट इस पूरे सिस्टम में टू बी कंस्टेंट है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड जो है वो बिल्कुल कंस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंस्टेंट है, जी कंस्टेंट है, और फिर जो है रेडियस भी उसने बोला दोनों का सेम है, तो यहाँ एक कंसेप्ट चला दैट्स एच बाई कॉस थीटा जो है वो कंस्टेंट है, उस हिसाब से अगर एच बाई कॉस थीटा यहाँ कंस्टेंट है तो ये हुआ एच वन बाई कॉस थीटा वन होना चाहिए बराबर एच टू बाई cos थीटा 2, तो h1 जो है वो 8 cm है और cos थीटा 1 हो गया cos ऑफ 0 degree, h2 आपका जो है दैट इज़ 4 cm अप टू द टोटल हाइट, इंसेप्शन ट्यूब में टोटल हाइट तक लिक्विड चलता है, बट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा वो आपको खुद पता चलेगा cos ऑफ थीटा 2, तो मुझे बोलिए आप यहाँ cos ऑफ 0 1 होता है, इट इज़ 4 to the 8, तो cos ऑफ थीटा 2 जो है आपका cos ऑफ थीटा 2 जो है दैट इज़ 1/2 एंड दैट इज इक्वल cos ऑफ 60 degree, cos cos यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा 2 जो है वो 60 degree, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 to 60 degree आ जाएगा, लिक्विड टू द फुल हाइट ऑफ द इंसेप्शन ट्यूब के ऊपर चढ़ेगा बराबर 4 cm हाइट तक ही लिक्विड जो है वो चला जाएगा, बट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल चेंज, इवन अगर हम देखेंगे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस भी चेंज होगा, रेडियस ऑफ ट्यूब इज कंस्टेंट बट मेनिस्कस रेडियस भी चेंज होगा, बट वाटर विल नॉट कम आउट एज अ फाउंटेन, तो यहाँ पे क्या है विल कम आउट एज अ फाउंटेन बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, वाटर विल राइज टू हाइट ऑफ 4 ओनली एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी 0 गलत हो गया, वाटर विल राइज टू हाइट ऑफ 4 cm ओनली एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 60 degree बिल्कुल सही है, तो इनिशियली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 था और 8 cm तक लिक्विड राइज कर गया, फिर आप 4 cm का ही ट्यूब लेके आए फुल तक लिक्विड चला जाएगा बट विल नॉट कम आउट एज अ फाउंटेन बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपका चेंज हो जाएगा 60 degree। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है दैट इज ये है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स फॉर वायर्स ऑफ टू मटेरियल्स ए एंड बी आर एज शोन द फिगर, इफ वाई ए एंड वाई बी आर द यंगेस्ट मॉड्यूल्स ऑफ द मटेरियल्स देन, तो आपको पता होना चाहिए दैट मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो इस केस में अब यंगेस्ट मॉड्यूल्स आ जाएगा वो होता है बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, तो अब इस केस में अगर आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन्स है तो इनका स्लोप जो है तो स्लोप ही आपका जो है स्लोप ही आपका स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, क्योंकि आप स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन दैट इज स्लोप, स्लोप इज इक्वल टैन थीटा और tan थीटा जो है आपको y का रेशियो प्रोवाइड करेगा, तो मैं लिखूंगा फिर y a by y b का रेशियो जो है आपका दैट इज tan ऑफ a का जो 60 tan ऑफ 60 एंड डिवाइडेड बाय इट्स tan ऑफ 30, तो tan ऑफ 60 डिवाइड बाय tan ऑफ 30, tan ऑफ 60 √3, tan ऑफ 30 हो गया 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 होता है तो y a बनेगा बराबर 3 टाइम्स y b शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, y a इज इक्वल 3 टाइम्स y b, ऑप्शन नंबर 4th जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका
That is this one. Two capillary tubes are dipped in the liquids of densities in the ratio. So densities ka ratio rho 1 is to rho 2 is provided to you people, and that is 5:2 aapko ratio provided hai. Uske baad, and the heights of the liquids in the two tubes are, to heights ka ratio jo hai h1/h2, agar hum ratio leke chale, it is 2/3 cm. Uske baad aapko kya diya gaya, if the surface tension of the liquids, to surface tensions ka bhi ratio hum leke chalte hain, it is 75/70. Yahan pe aapko ratio diya gaya hai. Assume the angle of contacts are same, to theta same hai, hame रेशो ऑफ रेडाई निकालना है. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप जानते हो अभी मैंने थोड़ी देर पहले, इट इज 2t cos theta / ρgr. देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम दिया गया है, जी आप सब जानते हो सेम है, टू सब जानते हो आप सेम है, तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी डिवाइडेड बाई रो आर. अब प्रोपोर्शनलिटी ड्रॉप करेंगे तो मैं लिखूंगा h1/h2, संभाल के आपको ड्रॉप करना पड़ेगा h1/h2, क्योंकि हमें निकालना क्या है, रेडियस, रेशो ऑफ रेडियस हम निकालते हैं. तो रेशो ऑफ रेडियस जो है इज प्रोपोर्शनल टी डिवाइडेड बाय h rho. तो मैंने पहले ही रेडियस यहाँ निकाल के रखा, सो दैट हम प्रोपोर्शनलिटी अकॉर्डिंग इसमें ड्रॉप करें. चलिए रेडियस का रेशो निकालना है, तो मैं लिखूंगा r1/r2 इज इक्वल. तो पहले आपको चाहिए, इट इज t1/t2 आप देख लीजिए, इट इज 75/70, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाई आप देखिए डिवाइडेड बाई h. तो h जो है, दैट्स h1/h2, इनवर्स लेना पड़ेगा आपको h1/h2. h1/h2 कहाँ गया आपका, h1/h2 मैंने यहाँ लिया है, इट इज़ 2/3, तो मतलब नीचे 2 आएगा ऊपर 3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई आप फिर इनवर्स है, फिर रो, तो रो भी इनवर्स हो जाएगा, तो ρ1/ρ2 आ जाएगा 2:5, ठीक है, 2:5 आ जाएगा. सो इट इज़ 5:2, तो मैंने 5:2 गलत कर दिया, इट इज़ 2:5, तो इनवर्स रेशियो लेना पड़ेगा. तो यहाँ गलती हो सकती है क्योंकि इट्स इनवर्स रिलेटेड टू एच एंड रो एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन. अब आप यहाँ देख लीजिए, 2:2 कैंसिल आउट हुआ, तो 5 1 5 एंड 5 5 25, 5 15, और उसके बाद अगर आप देखोगे 5 3 15 एंड 5 1 5 और ये हुआ 5 4 20, बिल्कुल 3 3 9 एंड 9/14 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर है. बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपने पहले वो चीज़ें इसमें से कैंसिल आउट कर दी जो कंस्टेंट्स है, और फिर प्रोपोर्शनलिटी डेवलप की, प्रोपोर्शनलिटी हिसाब से मैंने इसमें रेशियोज ड्रॉप की, और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9:14. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, दैट इज ए नीडल प्लेस केयरफुली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर में फ्लोट वायर एज अ बॉल ऑफ द सेम मटीरियल विल ऑलवेज सिंक. बिल्कुल सही है, तो नीडल जो है वो फ्लोट करती है क्योंकि उसमें लिक्विड उतना सरफेस टेंशन प्रोवाइड करता है, जिससे वो जो है उतना सरफेस टेंशन प्रोवाइड करता है, सो दैट वो उस पर टिक पाए और फाल ना करे, सिंक ना कर पाए. जबकि बॉल के केस में सरफेस टेंशन इज नॉट दैट मच एनफ जो वो बॉल को जो है होल्ड कर पाए. रीजन जो है, द बायोएंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल एंड द शेप. मटीरियल पे तो बायोएंसी डिपेंड ही नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द शेप, वॉल्यूम इनसाइड पे डिपेंड करता है. तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स. तो मैं लिखूंगा बोथ असर्शन एंड नो, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो कैसे, आप पहले केस में जब नीडल प्लेस करते हो वाटर पे, वो जो है फ्लोट कर सकती है क्योंकि सरफेस टेंशन उतना जो है वेट उसको बैलेंस कर पाता है. जबकि अगर आप एक बॉल रखोगे तो वो सिंक कर जाता है. और रीजन इन्होंने लिखा है कि बायोएंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बायोएंसी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम इनसाइड, दैट इज लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है. उसके बाद टू वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन, दो वायर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, बट वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर कॉपर आर जॉइंटेड एंड टू एंड. तो हमारे पास दो वायर्स हैं एंड टू एंड, मतलब सीरीज में आपने ज्वाइन किया, तो एक स्टील की एक कॉपर की है. मैं यहाँ पे पहले बनाऊँ, टू वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दिया गया है, बट वन मेड ऑफ स्टील एंड अनदर ऑफ कॉपर आर जॉइंटेड एंड टू एंड. व्हेन द कम्बिनेशन इज केप्ट अंडर टेंशन, द एलोंगेशंस इन द टू वायर्स आर टू बी इक्वल. तो व्हेन द कम्बिनेशन इज केप्ट अंडर टेंशन, तो दोनों में टेंशन सेम दिया आपने, द एलोंगेशन इन द टू वायर्स आर फाउंड टू बी इक्वल, तो मतलब एलोंगेशन भी सेम है. फिर आपको यंगस मॉड्यूल स्टील का भी दिया है, कॉपर का भी दिया है, हमें बोला है द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द टू वायर्स. तो अगर आप इसमें सिंपल कंसेप्ट से जाए, आप जानते हो दैट F=kx, जैसा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है, दैट वर्क पावर एनर्जी में हुक्सला, एंड हमारा के जो होता है दैट्स YA/L, ये हम आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं, इट्स YA/L के हिसाब से आप ये ड्रॉप करते हैं, इनटू x इज द दैट एक्सटेंशन या एलोंगेशन प्रोड्यूस. सर आपने ये फॉर्मूला यूज क्यों किया, क्योंकि आपको दिया गया है कि सेम टेंशन है, मतलब फोर्स आपने अप्लाई किया है वो सेम है, और फिर एलोंगेशन भी सेम है, तो F भी सेम है, एलोंगेशन भी सेम है, एरिया ऑफ सेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पता चला Y/L जो है वो कांस्टेंट है, Y/L का रेशियो कांस्टेंट है. ये इसका शॉर्टेस्ट वे है ना करने को, तो इसको लंबे तरीके से भी किया जा सकता है, बट अगर आप ये मेथड जानते हो ना, दैट आप के हमेशा Y/L
एल के बराबर ड्रॉप करते हो जब आप सॉलिड्स पढ़ते हो और इसको कंपेयर करते हो विद स्प्रिंग मास सिस्टम, तब जाके ये बहुत आसान हो जाता है वाई बाई एल इज कंस्टेंट. अब आप जो है स्टील और इसके हिसाब से, तो मैं लिखूंगा वाई स्टील डिवाइडेड बाई एल स्टील इज इक्वल टू वाई कॉपर डिवाइडेड बाई एल कॉपर. ठीक है, एल कॉपर. तो हमें किसका निकालना है, हमें स्टील क्योंकि पहले स्टील दिया है, तो मैं लिखूंगा एल स्टील डिवाइडेड बाई एल कॉपर इज इक्वल एल स्टील डिवाइडेड बाई एल कॉपर इज इक्वल वाई स्टील डिवाइडेड बाई वाई कॉपर. तो वाई स्टील आप खुद देख लीजिए, ये हो गया 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 11, एंड वाई कॉपर आप देख लीजिए इट इज 1.1, इट इज 1.1 इंटू 10 रेस्ट पावर 11, 10 रेस्ट पावर 11, 10 रेस्ट पावर 11 पॉइंट ऊपर जाएगा तो बनेगा 20 बाई 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 20 बाई 11 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है. तो दिस इज द वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. And question number next is a wire suspended vertically from one of its ends is stretched by attaching a weight of 200 to the lower end. The weight stretches the wire by 1 mm. Then the elongation. बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसी पैटर्न पे आपको पता होना चाहिए, मैं इन सारे क्वेश्चन को स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह जो है करता हूँ, जिसमें ये स्प्रिंग मास कंस्ट्रक्ट में ये होता है एंड दिस इज द मास हियर. आप जानते हो जब आप इसको एक्सटेंड करते हो अपनी ऑरिजिनल पोजिशन से, तो एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला आता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर. जैसे हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला डेवलप हुआ तो आप जानते हो, बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको F होता है kx, ये आप स्प्रिंग मास सिस्टम में जानते हो. तो मैं यहां ड्रॉप करूंगा u is equal, तो मैं लिखूंगा 1/2. अब एक kx जो है यहां पे दैट्स F मल्टीप्लाइड बाय x एक्सटेंशन. तो एनर्जी स्टोर्ड हो गया 1/2 F. आपने कितना लोड जो है इस पे स्ट्रेचर बाय अटैचिंग अ वेट ऑफ 200 न्यूटन, तो फोर्स आपका 200 न्यूटन है और कितना आपने उसको मैं एक्सटेंशन डेवलप किया 1 mm जो है इट इज 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मीटर. तो मुझे बोलिए आप ये हुआ 100, ये हुआ 100 और 10 रेस्ट पावर 2, 10 रेस्ट पावर, तो यू हो गया बराबर 0.1 जूल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बिना किसी टाइम के आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया. द सेम कंसेप्ट इज दैट के जो है आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हो वाई बाई एल इन केस ऑफ सॉलिड्स, एंड ये फॉर्मूला याद करने से आप जो है इन न्यूमेरिकल्स को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो. सो 0.1 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है दैट इज स्फीयर कंट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01% व्हेन टेकन टू द बॉटम ऑफ लेक 1 किलोमीटर डीप. इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी देन द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, हमें बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इस क्वेश्चन में जो है कैलकुलेट करना है. तो बहुत आसान है, इट इज बल्क मॉड्यूलस हो गया पी, इट इज डेल वी बाई वी, और फिर आपको बल्क मॉड्यूलस ही निकालना है. तो बी इज इक्वल आपने डेप्थ ऑफ द लेक जो है आपके इस क्वेश्चन में दिया गया है, आपने एक बॉल को लिया डेप्थ ऑफ द लेक पे और हमें क्या बोला स्फीयर कंट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाई, तो डेल वी बाई वी आपको प्रोवाइडेड है एंड दैट इज 0.01%, तो डिवाइडेड बाई 100 के हिसाब से आप लोगे. उसके बाद आपको बोल रहा है टेकन 1 किलोमीटर डीप, तो आपका हाइट जो है दैट्स 1 किलोमीटर डीप लिया है आपने इसको. उसके बाद आपसे द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी डेंसिटी दिया गया है, बल्क मॉड्यूल से आप आराम से कर सकते हो. इसमें आपको वैल्यू ड्रॉप करने, तो प्रेशर हो गया बराबर एच रो जी इंटू डेल वी बाई वी. अब आपको सिर्फ बल्क मॉड्यूल निकालना है और आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है इस फॉर्मूला में. देख लीजिए आपको हाइट प्रोवाइडेड दैट इज 1 किलोमीटर, एच इज प्रोवाइडेड, डेंसिटी ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड 1 ग्राम पर सीसी के हिसाब से. तो आप इसको फिर जो है केजी में ले सकते हो. उसके बाद जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपका परसेंटेज चेंज में, इसका आंसर जो है शायद 9.8 इंटू 10 रेज़ 5 इज द राइट आंसर. यू जस्ट ड्रॉप द वैल्यूज हियर, ये सिंपल एक अब जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बच गया है, फॉर्मूला ये है इसका कैलकुलेट करने का और आपको चेंज इन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम जो है दैट्स प्रोवाइडेड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट्स अ प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट कंस्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट्स टू विंग्स हैव एन एरिया of 25 meter square. If the speed of the air is 180 km over the lower wing and 234 km per hour over the upper wing, then the plane's mass is taking density of air this approximately. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे. इसमें क्या तरीका होता है, आप जानते हो प्लेन में जो है वो जो उसकी विंग्स होती है एरोफॉइल जो होता है उसका एरिया जो है इसमें दिया गया है ईच ऑफ इट्स टू विंग्स हैव एन एरिया ऑफ दिस. तो यहाँ बच्चा गलती करता है, यहाँ वो एक ही विंग का एरिया लेता है. ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है इस क्वेश्चन में. जब भी आप प्लेन बेस्ड न्यूमेरिकल जब ये बर्नौली थ्योरम में करते हो तो यहाँ पे जो फोर्स जो उसको अपलिफ्ट कराता है आपको पता होना चाहिए, जो एरोफॉइल जो विंग का ये होता है तो अपर साइड से जो है वेलोसिटी हाई होती है, वेलोसिटी हाई होती है इसलिए प्रेशर जो है वो कम होता है, और लोअर साइड से वेलोसिटी जो है वो लो होती है इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है. क्योंकि जहाँ वेलोसिटी कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा, तो प्रेशर हाई और जहाँ वेलोसिटी हाई वहाँ प्रेशर लो, वो प्रेशर डिफरेंस उसको लिफ्ट कराता है. और जब लिफ्ट कराता है तो जो फॉर्मूला फॉर द फोर्स बनता है वो फॉर्मूला बनता है 1/2 रो इट इज़ देन एरिया
एंड देन इट इज वी हाई स्क्वायर माइनस वी लो स्क्वायर, और यही फोर्स जो है लिफ्ट कराता है अगेंस्ट द वेट ऑफ द एरोप्लेन एंड दैट इज एम जी. तो एरोप्लेन का क्या कंसेप्ट है, जो एरोफाइल जो उसका जो विंग स्ट्रक्चर है उसमें ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है विंग की और नीचे लो. अब जब वेलोसिटी लो है तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर डिफरेंस उसको लिफ्ट कराता है. और फिर जब हम बर्नौली थ्योरम में इसको दैट वेंचुरी इफेक्ट में डिराइव करते हैं तो फोर्स एस्टैब्लिश बनता है 1/2 रो ए इनटू वी हाई स्क्वायर माइनस वी लो स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी. अब आपको इसमें एम निकालना है, बट यहां पे बच्चा गलती करता है, एरिया लेगा वो 25 मीटर स्क्वायर और ये एक विंग का एरिया है क्योंकि इसमें दिया गया है दैट ऑफ इट्स टू विंग्स है ना, दैट अ प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट कंस्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट्स टू विंग्स. तो एक विंग का एरिया 25 है, बट जब आप इस क्वेश्चन में इसको लोगे एरिया तो आपको इसमें जो है डबल करके लेना पड़ेगा क्योंकि एरोप्लेन में दो विंग्स होती है. उसके बाद जो है अब आप देख लीजिए, पहली फुर्सत में आप देख लीजिए, इफ द स्पीड ऑफ द एयर इज 180 किलोमीटर पर आवर ओवर द लोअर विंग के साइड में जो है वो स्पीड जो है वो दिया है 180 किलोमीटर पर आवर. तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो 18 टेंजा हो गया ये, तो ये हुआ 50 मीटर पर सेकंड जो है लोअर एंड से. तो इफ द स्पीड ऑफ द एयर इज 180 किलोमीटर पर आवर ओवर द लोअर विंग एंड 234 किलोमीटर ओवर द अपर विंग, तो अपर विंग से जो हायर है वी हायर जो है दैट इज 234, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बनता है 65 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये डेवलप होगा. तो फिर आप जब यहाँ वैल्यू ड्रॉप करोगे तो ये फोर्स लिफ्ट करके इसका वेट जो है वो उसको अगेनस्ट दैट उठा देगा, तो ये बनेगा 1/2 डेंसिटी ऑफ द एयर इज प्रोवाइडेड, डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1 और बिल्कुल केजी सिस्टम में प्रोवाइडेड है. एरिया जो है वो आपको 50 लेके चलना है, सर 25 दिया है बट डबल द एरिया एंड देन वी हाई स्क्वायर हो गया 65 का स्क्वायर माइनस वी लो स्क्वायर का हो गया, वी लो स्क्वायर हो गया 50 स्क्वायर और फिर ये हो गया एम आपको निकालना है और जी का वैल्यू आप 10 लेके चलोगे. तो अब इस क्वेश्चन को जो है आप इसमें सिर्फ एम निकालना है, तो इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशंस नाउ, तो यू कैन सॉल्व इट एट योर प्लेसेस. एंड मैंने ये सॉल्व किया है, इट इज़ 4400 केजी के अप्रॉक्सीमेटली. अगर आप जी यहाँ जो 10 लोग या 9.8 के हिसाब से आपका जो नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ 4400 केजी का जो है आपका एरोप्लेन होगा. सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एक ही जगह बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है, एरिया गलत लिख देता है, एरिया एक विंग का लिखता है बट एरिया आपको दोनों विंग्स का एक साथ लेके चलना पड़ेगा. उसके बाद जो है ये है एक क्वेश्चन, दैट्स इंपॉर्टेंट. अ थिन लिक्विड फिल्म फॉर्मड बिटवीन अ यू शेप्ड वायर एंड अ लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट ऑफ 1.5 × 10⁻²⁺ न्यूटन. द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज दिस एंड इट्स वेट इज नेग्लिजिबल. द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म इज, देख लीजिए आप यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है कि वेट आपने यहाँ, तो ये आपका स्लाइडर ये है, तो डेफिनेटली अगर ये नीचे नहीं आ रहा, ये बैलेंस्ड सिस्टम है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए और वो सरफेस टेंशन प्रोवाइड करेगा. और आप जानते हो कि सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, और फोर्स हो गया बराबर सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. अब चूंकि इस फिल्म, ये फिल्म है, दो साइड से एयर है, जितनी साइड से एयर होता है उतनी सरफेसेस मल्टीप्लाई करके चलना पड़ता है. जो मैंने सोप बबल में भी अर्लियर आपको बोला, सोप बबल में भी दो सरफेसेस और इन थिन फिल्म्स में भी दो सरफेसेस होती है, तो उस हिसाब से जो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले वेट को बैलेंस कर रहा है, तो इट्स ट्वाइस ऑफ TL शुड बैलेंस द वेट. और हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, सरफेस टेंशन हमें निकालना है. तो सरफेस टेंशन हो गया बराबर MG डिवाइडेड बाय 2L. अब हम वैल्यूज ड्रॉप करेंगे तो आपका जो वेट है, वेट जो है आपको दिया गया है इट्स 1.5 × 10⁻²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 ⁻####माइनस टू डिवाइडेड बाय टू एल आपको लेंथ ऑफ द स्लाइडर दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻²⁻², तो 10⁻²⁻²⁻²⁻² निकल जाएगा. ये बनेगा ऊपर बनेगा 15 × 10⁻²⁻·1, ये बनेगा इधर 2 × 30, तो ये हुआ 15 × 2 = 30 एंड देन 1/4 होता है 0.25 × 10⁻²⁻·1, तो ये बना 0.025 जो है न्यूटन बाई मीटर इज द सर्फेस टेंशन. तो दिस शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. तो यहाँ सरफेस टेंशन के फोर्स ने वेट को बैलेंस किया, और गलती फिर से वही स्टूडेंट की कि एक सरफेस लेके, क्योंकि फिल्म है, थिन फिल्म है, दो साइड से एयर है, तो दो सरफेसेस आपको लेके चलना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट. तो आपके पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है, आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है एंड दैट इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट फुल स्टॉप. द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन द मास M is suspended from its free end. तो आपने आप इस वायर में जब मास अटैच किया तो लेंथ ऑफ द जो स्ट्रिंग है, जैसे आपने मास M अटैच किया तो लेंथ जो है वो आपका अब जो है वो आपका हो चुका है L1. इट्स प्रोवाइडेड. तो द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन द मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड. द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉड्यूलस इज, तो यंग्स मॉड्यूलस आप जानते हो, इट इज FL डिवाइडेड बाय A डेल L. तो ये है फॉर्मूला, और F जो है दैट इज फोर्स इज वेट, दैट्स MG. तो MG डेफिनेटली इसका वेट होगा. L हो गया जो ओरिजिनल लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ उसका था L डिवाइडेड बाय A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A था, बिल्कुल सही है. और 6
चेंज इन लेंथ हो गया देन एल वन माइनस एल, तो दैट इज द चेंज इन लेंथ जो है, और दिस शुड बी द राइट आंसर. एम जी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू एल वन माइनस एल इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इससे पहले भी नीट में एक बार पूछा गया और ये है इसका तरीका. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, ए वायर एलोंगेट्स बाई एल एम एम लो डब्ल्यू इज हैंगड फ्रॉम इट. तो आपके पास एक वायर है और आपने इसको जब एक वेट W आपने इसमें ऐड कर दिया तो इट एलोंगेट्स बाय इट्स गिवन LMM. तो एलोंगेशन जो है LMM है जब आपने इसमें वेट W अटैच कर दिया. इफ़ द वायर गोज ओवर अ पुली एंड टू वेट्स W ईच आर हंग एट द टू एंड्स द एलोंगेशन ऑफ द वायर. अब आपने इसी सिस्टम को एक पुली पे जो है डाल दिया जिसमें यही वायर जो है अब दो साइड से आपने दो वेट W सेम वेट्स आपने अटैच किए. अब बोलता है इलांगेशन कितना होगा. तो पहले केस में ये है इलांगेशन आपने एक एंड पे एक एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड जो है उसमें वेट कनेक्ट किया तो इसमें इलांगेशन L आया. तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका वेट जो है वो डाउनवर्ड्स है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा रेस्टोरिंग फोर्स दैट्स के एक्ट के हिसाब से. इन द सेम फैशन जब आपने ऐसे पुली डाल दिया और दो वेट्स तो इसका ये मतलब है जब दोनों साइड के वेट बराबर है तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज जीरो. जब एक्सेलरेशन जीरो है तो स्टिल यहाँ पे वेट W ही है और स्टिल यहाँ पे फोर्स के एक्स ही है. तो जब फोर्स सेम है बिकॉज वेट सेम है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज जीरो तो इलांगेशन में कोई चेंज नहीं तो इलांगेशन शुड रिमेन सेम. सो L इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है अगर ये वेट चेंज होता और एक्सेलरेशन आता तब हम टेंशन के हिसाब से जाते तब फिर हम इलांगेशन नई जो है वो कैलकुलेट कर पाते. बट इस केस में कोई चेंज नहीं हुआ नो एक्सेलरेशन बिफोर एंड आफ्टर सिस्टम सेम वेट और फोर्स देयरफॉर इलांगेशन विल रिमेन सेम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज That is the velocity of a horizontal flow of an ideal liquid is smaller when pressure is large and vice versa. तो ये आप Bernoulli's theorem जानते हो that pressure energy plus kinetic energy plus potential energy that's mgh per unit mass or per unit volume is constant. अगर मैं per unit mass की बात करूँ तो per unit mass is constant. तो ये हो गया p by rho. Bernoulli's theorem का statement है mm cancel out होगा तो v square by it's plus here v square by 2 and then plus mm cancel out हो जाएगा gh is equal constant. So this becomes the formula. अब आप इसमें देखिए the velocity of the horizontal flow of an ideal liquid is smaller when pressure is large. देखिए अगर pressure large है तो velocity less है बिल्कुल सही है क्योंकि that energy per unit volume or per unit mass at each and every point in case of an ideal fluid flow through an a tube of different area of cross section या उसकी height भी vary करती है ground से तो आप statement जानते हो अब जहाँ pressure ज़्यादा वहाँ velocity कम. इससे पहले भी aeroplane पे भी क्वेश्चन हमने किया तो बिल्कुल सही है. द वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड इज स्मॉलर वहां पे स्मॉल होगी जहां पे प्रेशर इज लार्ज एंड वाइस वर्सा. रीजन ये है अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम फॉर द स्ट्रीम अलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लू लिक्विड द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेंस कांस्टेंट. बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर टू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन. तो ये है आपका बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन. आप जानते हो बर्नौली थ्योरम उसकी स्टेटमेंट उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जहां पे वेलोसिटी कम होगी वहां पे प्रेशर लार्ज होगा. बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज बाई सकिंग थ्रू अ स्ट्रा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एक क्वालिटी क्वेश्चन है बाई सकिंग थ्रू अ स्ट्रा. एक स्ट्रा आपके पास है जो आपकी वो पाइप होती है जिससे आप जूस खींचते हो ऊपर. स्टूडेंट कैन रिड्यूस द प्रेशर इन हिज लंग्स टू 750 mm ऑफ एच जी डेंसिटी दिया है मरकरी का. यूजिंग द स्ट्रा ही कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ गिलास अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ. तो ये है वाटर इन अ गिलास. तो किस हाइट तक वो मैक्सिमम वाटर जो है तो अपने लंग्स में जो लंग्स है यहाँ पे उसके माउथ के साथ कनेक्टेड उनमें वो प्रेशर बनाता है 750 mm ऑफ एच जी. जबकि आप जानते हो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर जब वाटर की बात की जाए तो यहाँ प्रेशर है 760 mm of Hg. तो वही तो होता है द प्रिंसिपल कि जिसे आप सक करो कि आपने लंग्स का प्रेशर कम करने पे ही आपका लिक्विड जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर आएगा. तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm of Hg और लंग्स में आपने क्रिएट किया 750 mm of Hg. जब प्रेशर डिफरेंस डेवलप हुआ तभी तो लिक्विड राइज करेगा. मान लीजिए हाइट एच तक लिक्विड राइज कर गया इस ट्यूब में जो है हाइट एच तक लिक्विड राइज कर गया और दैट्स अ वाटर कॉलम. तो यहाँ अगर आप देखोगे ना व्हाट्स द प्रेशर डिफरेंस दैट इज 10 mm of Hg. इट इज 10 mm of Hg जो है मरकरी जो प्रेशर डिफरेंस डेवलप हुआ वो होना चाहिए H. इट इज़ रो W मल्टीप्लाइड बाई जी. तो वही प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो किसी हाइट तक लिक्विड खींचता है एंड मैंने लिखा H रो W दैट इज डेंसिटी ऑफ द वाटर इन्वॉल्व हियर मल्टीप्लाइड बाई जी. अब 10
mm of HG जो है इट इज़ 10 mm, क्योंकि ये सेंटीमीटर सिस्टम का सारा खेल है, तो ये बनता है 1 cm हाइट एंड देन मर्करी की डेंसिटी रो एच जी मल्टीप्लाइड बाई जी, क्योंकि 10 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू एच, हमें वाटर का हाइट निकालना है, इंटू जी, जी जी कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 cm ये हो गया सर 1 cm, और फिर डेंसिटी ऑफ मर्करी प्रोवाइडेड है इट इज़ 13.6 इट इज़ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट हमें निकालना है, और वाटर का डेंसिटी आप सब जानते हो दैट इज़ 1 gram पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो एच हो गया बराबर इट इज़ 13.6 cm शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक राइट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो सकिंग का जो प्रिंसिपल यही है दैट आप प्रेशर डिफरेंस अपने लंग्स में कम करते हो इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स हाउ यू आर जो है एबल टू सक लिक्विड्स फ्रॉम दैट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस, व्हेन अ लार्ज बबल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, when a large bubble arises from the bottom of a lake to the surface its radius doubles, तो मान लीजिए आपके पास एक लेक है और एक बबल जो है वो राइज करता है फ्रॉम द बॉटम और इसका रेडियस दुगना होता है, तो मान लीजिए यहाँ रेडियस r है और जब वो सरफेस पे आया तो इसका रेडियस 2r हो गया, तो उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, when a large bubble arises from the bottom of a lake to the surface its radius doubles if atmospheric pressure is equal to that of a column of water height h, तो atmospheric pressure p naught जो है वो water column height h के बराबर है, तो मतलब h rho w g के बराबर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक वाटर कॉलम ऑफ हाइट एच के बराबर है, देन द डेप्थ ऑफ द लेक इज, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने देके रखा और आपसे पूछा कि ये डेप्थ ऑफ द लेक कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बच्चों को परेशान कर देता है, इस क्वेश्चन का तरीका एक ही है करने का कि जब आपका बबल जो है वो बॉटम से ऊपर चला गया, इसमें मोल कंजर्वेशन प्रिंसिपल से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इनिशियली जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस थे इसमें बबल में जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस वो सेम रहे, एंड वी बिलीव दैट द टेंपरेचर इन द प्रोसेस remains constant. अब आप जानते हो सब बच्चों that PV is equal to nRT. अगर temperature constant रहता है, R constant है, number of moles constant है, तो PV is constant. And जब PV constant है, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2. This is all about mole conservation. क्योंकि जो bubble नीचे से ऊपर गया, उसमें number of moles of the gas जो है वो constant रहे, but we believe that temperature remains constant. और फिर उसके बाद जो है, तो मैं लिखूँगा P1 V1 is equal to P2 V2 के हिसाब से इस question को solve किया जाता है. अब P1 हो गया, जब आप bottom पे हो, या P1 आप सरफेस पे ले रहे हो और सरफेस पे जो आपका प्रेशर इन्वॉल्वड है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं लिखूंगा पी नॉट एंड वॉल्यूम जो टॉप सरफेस पे है दैट इज 4/3 πr³, r³ हो गया ट्वाइस ऑफ r³ इज इक्वल p2 हो गया जो बॉटम पर प्रेशर है, देखिए बॉटम पे एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस एच रो जी जो हाइट ऑफ द लिक्विड इन्वॉल्वड है दैट्स एच रो जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम एंड दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 πr³, कैंसिलेशन यहाँ पे जो है 4/3 π कैंसिल आउट हो जाएगा और r³ भी यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बनेगा 8 times P naught is equal, ये बनेगा यहाँ पे बच्चों is equal, it is P naught plus H rho W into G, तो यहाँ पे देख लीजिए P naught इधर आएगा तो ये बनेगा 7 P naught, तो 7 P naught is equal, it is H rho G, अब आप देख लीजिए 7 P naught मैंने पहले आपको दिखा दिया है कि दिया गया है लैंग्वेज में H rho W G is equal, it is H rho W into G, तो यहाँ पे देख लीजिए rho W G cancel out, तो height आपने calculate कर दिया है और height जो है आपका that is 7H is the right answer of this question, तो 7H जो है इसका right answer है option number 3, बहुत important question है and mole conservation is the way to solve such numericals but we believe that temperature change जो है वो बिल्कुल absent है, उसके बाद question number next, तो ये आपका analogy से आप class 12th की या class 10th की जो current electricity उस basis पे ये question solve करते हो that 3 rods of same dimensions have thermal conductivity 3k, तो इसका thermal conductivity 3k है, इसका 2k है and इसके they are arranged as shown in the figure, then the temperature of the junction in steady state is, तो हमें इस junction का temperature calculate करना है, that is the language of this question, we have to calculate the temperature of the junction, तो यहाँ k है बच्चे, तो मैं ये मानता हूँ आपका k ये 2k ये 3k है, तो अगर मैं इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 मानता हूँ, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2, कौन सा रेजिस्टेंस सर, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, एनालॉगी से आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हो बट यहाँ पे ये थर्मल रेजिस्टेंस है, तो थर्मल रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/kA के हिसाब से, आप जानते हो थर्मल रेजिस्टेंस का जो है फॉर्मूला होता है, तो अब यहाँ पे सेम डायमेंशन के कंडक्टर्स है तो लेंथ L है और थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चूंकि डायमेंशन सेम है तो लेट अस अज्यूम दैट इट्स वैल्यूज R, मैं बिलीव करता हूँ ये वैल्यू जो है रेजिस्टेंस R के बराबर, इसी तरह R2 जो है हम लिख सकते हैं L लेंथ सेम है, K वो 2K दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो ये बनता है बराबर L/K के हिसाब से जो R है तो ये बनेगा R/2, ये एक अच्छा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन जो है वो लेंथ ही हो जाती है, इसी तरह अगर आप R3 यहाँ कैलकुलेट करो तो वो बनेगा L/3KA और ये बनेगा बराबर R/3, तो ये तीन रेजिस्टेंसेस डेवलप हुई, तो इसने थर्मल रेजिस्टेंस R1, इसने R2 और ये R3 और
और अगर आप वैल्यूज आप इसमें ड्रॉप करोगे तो ये थर्मल रेजिस्टेंस जो है आर के बराबर है, ये थर्मल रेजिस्टेंस आपका आर बाई टू के बराबर है, ये थर्मल रेजिस्टेंस आपका आर बाई थ्री के बराबर के हिसाब से। अब आपको टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन निकालना है, तो आप जानते हो इधर यू नो दैट कि अगर यहाँ से करंट, क्योंकि इट्स एट हाई टेम्परेचर दे आर एट लोअर टेम्परेचर, अगर यहाँ से करंट आई निकली तो यहाँ कुछ करंट का सेक्शन चला गया आई वन और यहाँ से कुछ आई टू। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, आई होना चाहिए बराबर फिर आई वन प्लस आई टू के हिसाब से, और फिर हम इसमें वैल्यूज ड्रॉप करेंगे। आई हो गया बराबर दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ 100 माइनस टी हो गया, इट इज़ 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस, तो इस पोर्शन का थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो आर बाई थ्री है, इज इक्वल। अब यहाँ पे देख लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस, या मैं पहले ये लूँ टी माइनस जीरो, तो टी माइनस जीरो हो गया टी ही डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस एंड दैट्स ओनली आर, देन प्लस आई टू जो है आपका दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस 50 एंड थर्मल रेजिस्टेंस हियर इज आर बाई टू। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आर 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 कैंसल आउट हो जाएगा, थ्री ऊपर जाएगा तो बनेगा 300 माइनस 3t इज इक्वल, ये टी है प्लस ये बनेगा 2t माइनस 100। तो अब आप यहां देख लीजिए 100 इधर आएगा तो ये बनेगा 400 और 3t उधर जाएगा तो 3, 2, 5, 1, 6, 60 एंड t हो गया बराबर आपका 400/6 एंड दैट इज 200/3 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 200/3 केल्विन शुड बी द टेम्परेचर, या डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड में ही लिया है स्केल को, तो 200/3 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है। तो ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज करके जंक्शन पे आप करंट ब्रेक करते हो और फिर वही जो वहां पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां टेंपरेचर डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपके एंट्रेंस नीट में पूछा गया है और आपको हर एक रेफरेंस मॉड्यूल में मिलेगा। अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर, तो आपके पास एक टैंक है और आपने उसमें एक छेद कर दिया बॉटम पे, एक छेद कर दिया बॉटम में और ये लिक्विड जो है अप टू 2 मीटर हाइट तक इस टैंक में है, तो हाइट जो लिक्विड की है दैट्स 2 मीटर। तो फिर क्या लिखा है, स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर का स्क्वायर इज प्रेजेंट एट नियर द बॉटम ऑफ फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट दिस टेकन जी इज दिस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली, तो आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ फ्लो जो है, रेट ऑफ फ्लो जो है, रेट ऑफ फ्लो या आपने क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा होना चाहिए दैट्स ए इनटू वी, व्हेयर ई इज नथिंग इट्स वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जो वी है यहां पे वो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो यही आपका रेट ऑफ फ्लो देता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एरिया हो गया मीटर स्क्वायर और आपका वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड दैट इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम दैट्स वॉल्यूम फ्लो रेट। तो एरिया जो है आपको 2 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये हो गया 2 × 10⁻³ का स्क्वायर दैट्स 10⁻⁶ और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आप सब जानते हो रूट ऑफ 2gh है। तो एक्चुअल फॉर्मूला में जब ये आप देखते हो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे ज्यादा है तो वो फैक्टर जो नीचे आता है इक्वेशन में ए बाई ए का होल स्क्वायर वो नेग्लेक्ट हो जाता है और आप सीधे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स रूट ऑफ 2gh लिख सकते हो। तो ये बना 2 × 10⁻⁶ इंटू इट इज रूट ऑफ 2g, जी आपने 10 लिया है और h जो है वो आपका 2 मीटर दिया गया है, तो ये हुआ रूट ऑफ 40 एंड ये हुआ 2 × √40 × 10⁻⁶। अब रूट ऑफ 40 सॉल्व करना मुश्किल है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, बट आप देख सकते हो रूट ऑफ 40, देखो 7 होता है 49, 7 × 49 तो ये जो ज्यादा हो जाएगा और 66 होता है 36, इसका मतलब 36 और 7 के कहीं बीच में अगर हम 6.5 ले, क्योंकि 7 × 49 होता है, 66 × 36 होता है, तो अगर हम 6 और 7 के बीच में कहीं 6.5 ले, 6.5 × 2 होता है 13 × 10⁻⁶ फिर आंसर होना चाहिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 13 के नियरर है, दैट इज 12.6 और कोई ऑप्शन दूर दूर तक इसके नज़दीक नहीं है, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12.6 × 10⁻⁶ क्यूबिक मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है अ लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू हाइट एच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके पास एक टैंक है और आपने इसको स्मॉल होल इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टैंक, तो यहाँ पे भी एक छेद आपने बना दिया है और लिक्विड जो है वो हाइट एच तक इस टैंक में है, हाइट एच तक कैपिटल एच यूज किया गया है और उसके बाद पूछा गया स्मॉल होल इज मेड एट द बेस ऑफ द टैंक इट टेक्स T1 टू डिक्रीज द हाइट ऑफ द वाटर टू H/N, मतलब इस टैंक में जो है अब वाटर जो है वो कम हो गया है, सीधी बात है छेद से तो इस होल से तो लिक्विड बाहर आ जाएगा और अब जो है वो हाइट जो रह गई है दैट्स ओनली H/η रह गई है और ये सारा प्रोसेस होने में टाइम T1 लगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद बोल रहा है दैट एनीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है सर, उसके बाद एंड इट टेक्स T2 टाइम टू कम्प्लीटली टेक रेस्ट ऑफ द वाटर और फिर फाइनली जो है इस टैंक से ये पूरा लिक्विड निकल गया, पूरा जब लिक्विड ही निकल गया तो अब जो टाइम लगा तो यहाँ अब फाइनल लेवल जो है वो जीरो हो चुकी है, पूरा लिक्विड निकल गया और टाइम जो इस प्रोसेस में अब लगा T2, हमें क्या बोलना है देन द वैल्यू ऑफ नीटा, हमें नीटा का वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में जो
टाइम ऑफ फॉल जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इनिशियल हाइट माइनस रूट ऑफ फाइनल हाइट. ये है इसका फॉर्मूला. ये आपने बिल्कुल अपने वेंचुरी इफेक्ट में पता होगा. तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एच वन माइनस रूट ऑफ एच टू. और फिर उस हिसाब से अगर हम पहला टाइम पहली इक्वेशन बनाए तो टी वन इज प्रोपोर्शनल टू बच्चों रूट ऑफ एच वन. तो रूट ऑफ एच वन के बदले रूट ऑफ एच आएगा माइनस रूट ऑफ एच टू हो गया एच बाई नीटा. ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट. और दूसरे केस में जो टाइम आपका लगा दैट्स टी टू और इनिशियल हाइट जो है वो आपका अब एच बाई नीटा ही था और फाइनल हाइट जीरो. तो इक्वेशन नंबर सेकंड. मगर आपको बोला गया है दैट टी वन टी टू के बराबर है. अगर टी वन टी टू के बराबर है तो उस हिसाब से रूट ऑफ एच माइनस रूट ऑफ एच बाई नीटा होना चाहिए बराबर रूट ऑफ एच बाई नीटा के बराबर. क्योंकि ये जीरो आप छोड़ दो उधर जाएगा तो ट्वाइस बनेगा. तो रूट ऑफ एच इज इक्वल ट्वाइस ऑफ इट इज रूट ऑफ एच बाई नीटा. तो यहाँ पे आप रूट ऑफ एच छोड़ दीजिए, स्क्वायर करिए इसको और नीटा बाहर लाइए और स्क्वायर करने से टू जो है वो फोर बन जाएगा. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a tank with vertically walls is mounted so that its base is at a height of 1.2 meter above the ground. तो मतलब पहले बेस है टैंक का. तो ये घर में भी ऐसा होता है कि बेस होता है टैंक का ग्राउंड से जो है ग्राउंड से आपका बेस ऑफ द टैंक इज एट हाइट ऑफ 1.2 मीटर. तो ये क्लियर है इट्स 1.2 मीटर गिवन. दिस इज द बेस ऑफ द टैंक एंड फिर द टैंक इज फिल्ड वाटर अप टू हाइट अप टू डेप्थ ऑफ 2.8 मीटर. फिर इस पर एक टैंक रखा गया और उसमें वाटर जो है. तो ये टैंक अब मैं बना रहा हूँ थोड़ा साइज में बड़ा बना रहा हूँ. दिस इज अ टैंक लाइक दिस और इसमें जो वाटर है आपने 2.8 मीटर डेप्थ तक आपने इसमें जो है वाटर ड्रॉप कर दिया. उसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में अब जो है आपसे क्या पूछ रहा है वो दैट एस होल इज पंचड इन द साइड वॉल ऑफ द टैंक एट अ डेप्थ एक्स ब्लू द फ्री सर्फेस ऑफ वाटर टू हैव अ मैक्सिमम रेंज. तो यहाँ क्लियर कर दिया मैक्सिमम रेंज इमर्जिंग स्ट्रीम देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस. तो आप बोलो छेद कहाँ करोगे टैंक में कि लिक्विड जो है वो मैक्सिमम रेंज जो है ट्रेवर्स करे. तो आपको आपने पढ़ा होना चाहिए इसकी एक ही कंडीशन है कि मिड पॉइंट पे जो हाइट जो है ग्राउंड से उसको आधी हाइट पे छेद करने पे रेंज मैक्सिमम होता है. दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू टीच यू इन क्लासरूम प्रोग्राम्स. तो यहाँ पे आप देख लो ये हो गया. अब आप किस डेप्थ पे करोगे. तो मान लो यहाँ आपने छेद कर दिया और ये एक्स आपको निकालना है. तो मैंने आपको बोला कि डेप्थ जो है या जो हाइट है ग्राउंड से वो बिल्कुल बिल्कुल आधा होना चाहिए जो टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड है. चाहे वो टैंक में जो वाटर का लिक्विड का हाइट है या बेस का भी जो हाइट है वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. तो 2.8 प्लस 2.2 होता है 4. 4 का आधा होता है 2. मतलब ऊपर से नीचे जो है 2 सेंटीमीटर डेप्थ पे या नीचे से ऊपर भी जो है वो 2 सेंटीमीटर डेप्थ हाइट पे ही जो है अगर आप होल करोगे तो लिक्विड का रेंज जो यहाँ होगा दैट विल बी मैक्सिमम. सो एक्स शुड बी इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर. बिल्कुल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो अगर आपने पढ़ा है तो सीधे आप हिट कर सकते हो. इसमें कोई मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है असर्शन रीजन है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन from sun's surface varies as the fourth power of the absolute temperature. Bilkul hum believe karte hain sun is a black body and the amount of radiation from sun's surface varies as the fourth power. That's what is Stefan's law. Jo energy radiated that is directly proportional to the fourth power of temperature. This is what we call as Stefan's law. Reason is the sun is a black body. Yes, black body ke case mein Stefan ne kaha jo energy radiated by a body hota that's directly proportional to the fourth power of temperature. So both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion is the right answer of this question. Uske baad question number next jo aapka hai that is two liquids A and B are at this and this respectively. To do liquids hai aapke when they are mixed in equal masses the temperature of the mixture is found to be this. To mixture ka temperature provided hai aapko hame ratio of specific heats nikalna hai. To aapke paas do liquids hai jinka mass same hai. Aapke paas do liquids hai jinka mass same hai aur pehle ka temperature jo hai wo 30 degree centigrade hai. Pehle ka temperature jo hai wo 30 degree centigrade hai aur dusre ka temperature jo hai wo 20 degree centigrade hai. When they are mixed in equal masses तो मास उनका सेम है. द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज फाउंड टू बी आपको जो इक्वलन टेम्परेचर जो है वो आपका 26 है. द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज हमें इनका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स. तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है ना वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है. दोनों रीच कर गए हैं 26 डिग्री. हमें रेशियो ऑफ इसमें एक छोटा कंसेप्ट है दैट लॉस्ट बाय वन हीट गेन्ड बाय अनदर. हीट लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अनदर. तो दिस इज व्हाट इज हीट गेन्ड बाय अनदर. दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. ठीक है. अब हीट लॉस्ट बाय वन अगर आप देखोगे ये होगा m मास s स्पेसिफिक हीट जो सेम लिक्विड से इनटू डेल्टी. डेल्टी आप देखो 30 माइनस 26 होता है सिर्फ 4 इज इक्वल हीट गेन्ड बाय अनदर. तो मास m स्पेसिफिक हीट सेम है और डेल्टी अगर आप देखोगे 26 माइनस 20 इट इज 4. तो mm जो है mm जो है आपका कट जाएगा. तो ये टू लिक्विड्स एंड भी डिफरेंट लिक्विड्स है. तो स्पेसिफिक हीट्स s1 और s2 है. तो यहां मैं गलती कर रहा था. दिस इज s1 एंड
2. तो अगर आप रेशियो निकालने जाओगे, पहले आप देख लो 30 माइनस 26 4 एंड 26 माइनस दिस इज 6 बच्चे, सॉरी इट इज 6, 26 माइनस 20, तो S1 by S2 जो रेशियो आ जाएगा फिर आपका, तो वो आएगा 6 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज 3/2 इज द रेशियो इन दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. तो ये एक तरीका है इसका करने का, दैट कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है, हीट लॉस्ट बाई वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल द हीट गेन बाई अनदर. तो वही हुआ कि इसने लॉस किया, देख लीजिए 30 से 26 पे आया, और इसने गेन किया, ये 20 से 26 पे आया तो गेन किया, और जो राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर है दैट्स गिवन बाय एम एस डेल्टी, और आपका डेल्टी मैंने ड्रॉप किया, मास सेम थे, स्पेसिफिक हीट्स डिफरेंट थी. या आपका और एक तरीका इसका है, दैट्स टी इक्विलिब्रियम होता है, समेशन ऑफ एम एस टी, ये हम क्लास में पढ़ाते हैं, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम एस. इससे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि दोनों का अलग अलग तरीके से आप एम एस टी एड करो, प्लस एम एस टी इसका डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम एस इसका प्लस एम एस इसका, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. बट ये भी एक तरीका है जो कैलोरीमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल है. उसके बाद इफ 10 ग्राम ऑफ आइस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम आइस वाटर सिस्टम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, वी कॉल दिस एज आइस वाटर सिस्टम. और जब भी आइस वाटर सिस्टम जैसा न्यूमेरिकल आपको करना हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल्स, जब भी इसको आइस वाटर सिस्टम को करना होता है तो इसका होता है रेफरेंस वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इन क्वेश्चंस में एक ही तरीका होता है, दैट्स रेफरेंस इज रेफरेंस लेना होता है वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपको कहीं से भी वाटर जो है वो 0 डिग्री पे खींच के लाना है, ये इसका प्रिंसिपल है. अब कैसे लोगे आप, देखो एक साइड से आपको 10 ग्राम ऑफ आइस है, आपका 10 ग्राम ऑफ आइस है, तो थोड़ा मैं लंबा कर रहा हूँ, वरना अगर ये खुद करना होता तो हम टाइम इसमें ज़्यादा नहीं देंगे. 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका 10 ग्राम ऑफ आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो फिर से यहाँ पे आपका 10 ग्राम ऑफ वाटर है और वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री, तो ये 0 पे है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, देख लो खींच के रेफरेंस पे लाओ. तो 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 से आप इसको लाओ, इसको आप लाओ 10 ग्राम ऑफ वाटर आप इसको लाओ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज यहाँ पे सिर्फ जो है फ्यूजन हुआ है और जो हीट रिक्वायर्ड है दैट्स m इंटू एल एफ. तो m जो है आपका 10 है और एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता होना चाहिए 80 होता है आइस का, और ये होगा 8800 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड. तो ये है, अगर आपका 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 है और आपको वाटर रेफरेंस पे ला रहे हो एट 0 डिग्री, तो आपको जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के हिसाब से हीट प्रोवाइड करनी है वो 800 कैलोरी है. और अब आप 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री से आप उसको 10 ग्राम ऑफ वाटर आप इसको 10 ग्राम ऑफ वाटर पे ही लाओ बट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपका रेफरेंस है और रेफरेंस के हिसाब से क्यों होता है बराबर एम एस, यहाँ पे एम एस इट इज डेल्टी, क्योंकि आपने जो है यहाँ चेंज इन टेम्परेचर करा दिया है, यहाँ टेम्परेचर सेम है तो इट इज एम एस डेल्टी. तो अब आप यहाँ देख लो हीट इज इक्वल टू एम हो गया 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 इंटू डेल्टी राइज इन चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 100 हुआ. तो यहाँ पे पता चला कि हीट प्रोवाइडेड जो है वो 1000 कैलोरी है, तो हीट चाहिए सिर्फ 800 कैलोरी और हीट दे रहा है वाटर 1000 कैलोरी. तो इतना क्लियर है कि पूरा का पूरा आइस जो है एट 0 डिग्री वो पूरा का पूरा वाटर एट 0 डिग्री पे आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ज़्यादा है. अगर हम ये मान के चलते कि 800 ही देता तो बिल्कुल ये जो है वाटर एट 0 सिस्टम पे आ जाता, बट यहाँ पे अब क्या है 800 कैलोरी तो खर्च हुए बट जो 200 कैलोरी है वो अभी भी टेम्परेचर बढ़ा देंगे सिस्टम का. अब टोटल जो है पूरा आइस मेल्ट हुआ है वो 10 ग्राम का था, तो वो भी वाटर में आ गया, वो 10 ग्राम वाटर अलग से बना और पहले ही 10 ग्राम था, तो मतलब आपके सिस्टम में अब जो वाटर है वो है इक्वल टू 20 ग्राम. तो अब आप जानते हो दैट हीट जो है क्या होता है बराबर एम एस डेल्टी. अब जो हीट आपके पास है वो 200 कैलोरी बची हुई है, 200 कैलोरी हीट जो है सिस्टम में बची हुई है, मास अब 20 ग्राम है, ये गलती नहीं करना. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 एंड डेल्टी हो गया 0 से अब, क्योंकि अगर वाटर एट 0 होता अब 0 से किसी टेम्परेचर पे वो राइज करेगा 200 कैलोरी की वजह से, तो डेल्टी हो गया 0 से टी, टेम्परेचर डिफरेंस टी है, 0 कट जाएगा एंड 2 10s. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही है. अगर ये 800 कैलोरी होता तो मैं बोलता सीधे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बचा, बट 200 कैलोरी अभी भी राइज टेम्परेचर करेगा सिस्टम में, 0 से किसी टेम्परेचर तक लेगा, और हमने वो सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ये, दैट इज इन फिगर गिवन टू सॉलिड्स ए एंड बी ऑफ सेम मास आर हीटेड एट कांस्टेंट रेट. ये पहले IIT में क्वेश्चन आए थे, और फिर एक कांस्टेंट रेट हीट मतलब होता है पावर, क्योंकि हीट इज एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, रेट
दैट इज पावर इज कंस्टेंट, ये इसका जो है कंसेप्ट है और यही इस क्वेश्चन का ब्रेक इन पॉइंट है, दैट पावर इज कंस्टेंट बाय सम सोर्स, देन फाइन. अब आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट्स, आपको रेशियो ऑफ लेटेंट हीट्स. तो मैं लिखूंगा पावर सप्लाई टू ए इज इक्वल पावर सप्लाई टू बी, और पावर सप्लाई फ्यूजन के लिए आप एम एल ए एंड इट इज डेल टी ए, और ये हो गया बराबर एम, क्योंकि इन गिवन फिगर टू लिक्विड्स एंड वी हैव सेम मास, मास सेम है, इट इज एल बी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जो आपका एल टी बी है टाइम, पावर इट्स पावर इट्स देन टाइम. तो मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको रेशियो ऑफ एल ए बाई एल बी निकालना है, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट्स, तो ये हुआ डेल टी ए बाई डेल टी बी. तो अब आप ग्राफ से उठा के डेल टी ए आप ड्रॉप करिए, डेल टी ए हो गया आपका ए का आपको दिख रहा है इट इज़ सेवन माइनस फोर, सेवन माइनस फोर जो है सेवन माइनस फोर हो गया आपका थ्री, सेवन माइनस फोर थ्री हो गया, एंड डेल टी बी अगर आप देखोगे तो इट इज़ सिक्स माइनस, सिक्स माइनस टू हो गया फोर, तो थ्री बाई फोर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका थ्री बाई फोर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. तो इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो ये है पावर इज कंस्टेंट, that is heat supply per unit time constant, उस हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, that's an iron rod of length 50 cm joined to an aluminium rod of length 100 cm. All measures refer to this. The coefficient of linear expansion of iron and aluminium are given respectively. The average linear expansion of composite system is. तो an iron rod of length L 50 cm. तो आपके पास एक iron rod है जिसकी लंबाई जो है, तो मैं लिखूं iron 50 cm लंबाई का iron rod है, आपने इसको join किया to an aluminium rod of length, आपने एक एल्युमिनियम रॉड के साथ उसको जोड़ दिया है, तो ये एल्युमिनियम रॉड है और इसकी लंबाई दी गई है 100 सेंटीमीटर. तो एल्युमिनियम रॉड की लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर दी गई है. ऑल मेजरमेंट्स रेफर टू दिस, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम. तो आपको पता होना चाहिए इसमें एवरेज आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है, और जब भी सीरीज सिस्टम होता है तो ये समेशन ऑफ एल अल्फा डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एल होता है. दिस इज द फार्मूला फॉर सीरीज में आपको अगर एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन निकालना होता है. तो समेशन ऑफ एल अल्फा, एल हो गया 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2, और अब अल्फा, अल्फा तो 50 आयरन के लिए आप लेंगे, तो आयरन का कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज 12 इंटू, इट इज 12 इंटू 10 रेज पावर, 12 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6, देन प्लस आप करोगे. अब आप लीजिए दूसरा आपका जो है लेंथ, दैट इज 100 सेंटीमीटर हो गया 10 रेज पावर माइनस 2, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 24 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय, अगर आप देखोगे लेंथ का एडिशन आपको करना है, तो ये हुआ 100 प्लस 50, इट इज 150 सेंटीमीटर है, तो 10 रेज पर माइनस 2 आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये हुआ इट इज 10 रेज पावर माइनस दिस, इट इज 10 रेज पर माइनस 8, और ये हुआ 60, 5 12 60, 600, तो ये बनता है 6 इंटू अल्फा, एवरेज बनता है बराबर 6 इंटू 10 रेज पर माइनस 4. आप समझ गए होंगे कैसे, देख लीजिए ये हो गया 6, बट ये हो गया 5 12 60, तो 600 वो दो उसमें से निकल गए. नो सॉरी बच्चों, इट इज 10 रेज पर माइनस 6, यहाँ गलती कर दी थी मैंने. तो जो ये 600 के 10 रेज पर 2, 10 रेज पर माइनस 2 कट गया, देन प्लस हो गया आपका यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ से ये और ये निकल जाएगा, तो ये बनेगा 24 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय हो गया ये 150 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2. तो यहाँ पे आप देख लीजिए 6 प्लस 10 रेज पावर माइनस 6 तो कॉमन आ जाएगा, 10 रेज पावर माइनस 6 कॉमन आ गया, और ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 6 प्लस 24 इज 30, ये हो गया 150 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2. तो ये 0 0 कैंसिल आउट होगा, और फिर 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 3 15, तो इट इज 1 बाई 5, कहीं गलती कर दी मैंने शायद, 6 प्लस 24 इज 30, ये हो गया यहाँ पे, एंड दिस इज 100 सेंटीमीटर इनटू दिस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एल, एल हो गया 150, 50 प्लस 100 इनटू 10 रेज पावर माइनस 2, 150 तो बराबर है, फिर कहाँ कैलकुलेशन, ये हो गया 30 इनटू 0.2, चलिए मैं लूँगा इसको 0.2 इनटू 10 रेज पावर माइनस 6, ऊपर जाएगा 10 रेज पावर माइनस ए, इट इज़ ओनली 10 रेज पावर माइनस 4, 10 रेज पावर माइनस 4, तो ये बनेगा 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5, 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5, या मैं लिख सकता हूँ इक्वल 20 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ब्लू स्टार इज एट हाई टेम्परेचर देन रेड स्टार. तो आपको पता होना चाहिए ब्लू स्टार इज एट हाई टेम्परेचर देन रेड स्टार, एंड अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इट इज सिंपल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग. आपको पता होना चाहिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. तो मतलब अगर वेव लेंथ ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है. तो आप जानते हो रेड का वेव लेंथ ज्यादा होता है, रेड का वेव लेंथ ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है, और आपका ब्लू स्टार का वेव लेंथ कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है, बिल्कुल सही है. ब्लू स्टार इज एट हाई टेम्परेचर देन रेड स्टार, बिल्कुल सही है, और ये जो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से, तो बोथ असर्शन एंड रीजन
or two and reason is the correct explanation of assertion. तो फिर से वही मैं बोलता हूँ, रेड का वेव लेंथ ज़्यादा है, रेड का वेव लेंथ ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम है, और ब्लू का वेव लेंथ कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा है. उस बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दिया गया. टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन आर मेंटेनड एट 200 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टली इन स्टडी स्टेट. तो आपका ये एक डायग्राम है जिसमें आपको दो एंड्स जो है टेम्परेचर डिफरेंस जो है टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन आर मेंटेनड एट 200 एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टली इन स्टडी स्टेट. आपको बोलना है टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड सी डी आर इक्वल. तो आपको पता होना चाहिए दैट हीट करंट जो होता है दैट्स डेल क्यू बाई डेल टी, हीट करंट जो फ्लो होता है दैट इज इक्वल टू इट इज के ए डेल टी चेंज इन टेम्परेचर दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है दो एंड्स में डिवाइडेड बाई द लेंथ इन्वॉल्वड. तो यहाँ पे अगर आप इस के ए को छोड़ दो, इट इज हीट करंट जो है दैट हीट करंट डेल क्यू बाई डेल टी जो हीट करंट फ्लो होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, मैं लिख सकता हूँ इसको के ए, तो मैं लिखूंगा इसको डेल टी डिवाइडेड बाई एल. इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट. वी कॉल दिस एज टेम्परेचर, वी कॉल दिस एज टेम्परेचर ग्रेडियंट. ये आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं. अब देख लीजिए स्टडी स्टेट, जैसे उसने बोला आपको दैट टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस आर मेंटेनड एट यू द 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन स्टडी स्टेट. हमें स्टडी स्टेट जैसे उसमें बोला गया, स्टडी स्टेट में करंट जो है वो कंस्टेंट हो जाता है. तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जानते हैं स्टडी स्टेट बाय टर्म स्टडी स्टेट वी मीन्स कंस्टेंट करंट. तो यहाँ पे भी करंट जो है हीट करंट जो है वो कंस्टेंट हो जाती है स्टडी स्टेट में. अब अगर करंट कंस्टेंट है, के भी कंस्टेंट है, और अगर के भी कंस्टेंट है और फिर अगर आप देखोगे जो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है दैट बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट इज दैट टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो स्टडी स्टेट में याद रखें, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स में भी और हीट सर्किट्स में भी यही है कि स्टडी स्टेट के वक्त जो है करंट जो है वो कंस्टेंट हो जाती है, बट एट डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शंस वी हैव डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटीज. ड्रिफ्ट वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती है बट करंट इज ऑलवेज कंस्टेंट. इन द सेम फैशन यहां पे भी वही हुआ दैट हीट करंट स्टडी स्टेट पे कंस्टेंट हुआ, बट यहां पे अब जो टेंपरेचर ग्रेडियंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरह दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा वहां टेंपरेचर ग्रेडियंट जो है कम हो जाएगा. तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां टेंपरेचर ग्रेडियंट कम होगा. तो टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी डी आर इक्वल गलत है. टेंपरेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज ग्रेटर, तो एरिया क्रॉस सेक्शन है ज्यादा तो ये कम होगा गलत है. टेंपरेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज लेस, बिल्कुल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बी पे ज्यादा है इसलिए टेंपरेचर ग्रेडियंट लेस है देन सी डी. सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल्स इन द सेंस दैट इसमें बिल्कुल एनालॉजी से आप कर सकते हो कि स्टडी स्टेट में करंट भी कंस्टेंट होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिफर हो जाती है. इन द सेम फैशन यहां पे भी जो है हीट करंट कंस्टेंट हो जाती है स्टडी स्टेट पे, बट उसका जो टेंपरेचर ग्रेडियंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जो है वैरी करता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट इज द क्वेश्चन इज द ग्राफ शोन इन द एडजेसेंट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ टेंपरेचर ऑफ टू बॉडीज एक्स एंड वाई हैविंग सेम एरिया. तो आपके पास दो बॉडीज है एक्स एंड वाई हैविंग सेम एरिया इन्वॉल्वड है उनका, तो एरिया इन्वॉल्वड सेम है. हमसे क्या पूछा गया है दैट सेम एरिया विद टाइम टी ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम, तो ये रेट ऑफ कूलिंग है क्योंकि टेम्परेचर फॉल कर रहा है टाइम के साथ. सो दिस इज ग्राफ विच इज व्हाट वी कॉल एज रेट ऑफ कूलिंग ग्राफ. तो इसको हम रेट ऑफ कूलिंग ग्राफ कहेंगे क्योंकि रेडिएशन लीक कर रहा है वो टाइम के साथ लॉस कर रहा है. तो हमसे पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द टू बॉडीज. तो इसमें कंसेप्ट ये है बच्चे, अगर ये रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज डी टी बाई डी टी, इट इज नथिंग, दैट्स टेम्परेचर फॉल्स विद टाइम इज नथिंग, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी. सो दिस इज रेट ऑफ कूलिंग. तो डी टी बाई डी टी इज मीन स्लोप ऑफ द ग्राफ, एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप करूँ तो एक्स पे अलग टेंजेंट हम ड्रॉप करेंगे, तो ये एक्स वाली टेंजेंट है और इस पर मैं एक डिफरेंट कलर यूज करता हूँ येलो कलर, तो ये इस पर टेंजेंट है. अगर आप देखोगे टेंजेंट हमें स्लोप देगी और स्लोप एक्स का जो है वो ज्यादा है वाई से. अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो मतलब इमिसिव पावर, क्योंकि कूलिंग करूँ है तो इसका इमिसिव पावर जो है वो वाई से ज्यादा है. तो इमिसिव पावर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दैट वाई बिकॉज इट स्लोप इज मोर, क्योंकि इसका स्लोप ही आपको रेट ऑफ कूलिंग दैट्स इमिसिव पावर दे रहा है. और फिर आप जानते हो एक थ्योरी होती है दैट्स परवॉस थ्योरी, अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज अ गुड इमिटर. तो जिसने अपने टाइम पे इमिट अच्छा किया इसका मतलब उसने अपने टाइम पे एब्जॉर्ब अच्छा किया. तो इमिसिव पावर अगर ज्यादा है इसका मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगा. तो ई एक्स इज ग्रेटर देन ई वाई एंड ए एक्स इज ग्रेटर देन ए वाई, क्योंकि जब एब्जॉर्प्टिव पावर अपने टाइम पे ज्यादा था तभी तो इमिसिव पावर ज्यादा होगा. दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज अ गुड इमिटर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है दैट इज
two spheres having radii 1 meter and 2 meter are at same temperatures. Temperature same have emissivities E and 2E. Then the ratio of radiant energy emitted per second. So आपको पता होना चाहिए that ratio of radiant energy emitted होता है A E sigma. It is T raised power 4. This is what we call as Stefan's law. Actually पूरा complete करके है ये. तो area लेके emissivity लेके sigma Stefan's constant. तो two spheres having radii radii अलग अलग दिया है and at the same temperatures. तो temperature same है इसको छोड़िए आप sigma Stefan's constant same है. तो proportionality जो है वो area और emissivity के हिसाब से और sphere है तो area होता है 4 pi r square. तो हमें निकालना है ratio of radiant energies. तो मैं लिखूंगा P1 by P2 जो है होना चाहिए बराबर फिर R1 by R2 का whole square और ये होना चाहिए it is R1 by R2 का whole square. ये होना चाहिए E1 by E2. अब हम drop करेंगे पहले का radius है 1 meter का square और दूसरे का radius जो है वो 2 meter का square हो गया और फिर पहले का emissivity E है दूसरे का emissivity 2E है. E cancel होगा 4 and it's 1 by 8 is the right answer of this question. So option number 3 जो है बिल्कुल इसका correct answer है. Question number next आपका जो है that is the power radiated by black body is P and it radiates maximum energy around wavelength lambda naught. तो इसे clear हो गया इस language से कि Wien's displacement law का curve है जो आपने जो पढ़ा होता है दैट इज दैट इमिसिव पावर वर्सेस वेव लेंथ. तो आपको पता है एक पर्टिकुलर वेव लेंथ पे रेडिएंट एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है. फिर ये बोल रहा है कि वो वेव लेंथ लैम्डा नॉट है जिस वक्त वो पावर पी इमिट कर रहा है रेडिएंट एनर्जी इमिट कर रहा है. इफ द टेंपरेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम अराउंड अ वेव लेंथ दिस. तो वेव लेंथ कम हुआ पहले लैम्डा नॉट था 3/4 हो गया 0.75. तो इसका मतलब डेफिनेटली टेंपरेचर बढ़ा है और इसमें कहते हैं इसको हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला. आपका कर्व थोड़ा पीछे शिफ्ट हुआ होगा द पावर रेडिएटेड बाय इट विल इंक्रीज क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाने से एरिया बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगा. अब हमें वही निकालना है. तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट ये है दैट लैम्डा मैक्स जो है स्टीफन्स लॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर. तो उस हिसाब से लैम्डा मैक्स इनटू टी जो है वो लैम्डा मैक्स इनटू टी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. तो पहले था लैम्डा नॉट और टेंपरेचर T1 था. फाइनली आपका 3/4 लैम्डा नॉट है और टेम्परेचर अब हम मानते हैं T2. तो लैम्डा नॉट कैंसिल आउट T1 बाई T2 पहली फुर्सत में आप रेशियो निकाली इट इज 3/4. जैसे टेंपरेचर रेशियो आया अब हमसे पूछ रहा है द पावर रेडिएटेड बाय. तो पावर रेडिएटेड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर होता है. तो उस हिसाब से अगर मैं P2 बाई P1 निकालूं क्योंकि हमें रेशियो जो है बाद का अर्लियर से तो P2 बाई P1 के हिसाब से ये P2 बाई P1 अब इनिशियली पावर तो P है तो होना चाहिए इज इक्वल इट इज 4/3 रेस्ड पावर 4. अब यहाँ बच्चा सोचेगा T1 बाई T2 3/4 तो मैंने वही किया ना इनवर्स लिया इसका दैट्स वाई इट इज 4/3. अब 4 4s आर 16 16 16s आर 256 डिवाइडेड बाई 3 3s आर 9 9 9s आर 81 शुड बी द राइट आंसर एंड P2 जो है वो होना चाहिए 256 बाई 81 टाइम्स दैट ऑफ पी. सो ऑप्शन नंबर जो है 256 बाई 81 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला और फिर स्टीफन्स ला की प्रोपोर्शनलिटी इस क्वेश्चन में बहुत जरूरी है. टू रॉड्स ऑफ लेंथ एल एंड टू एल थर्मल कंडक्टिविटीज 2K एंड K आर कनेक्टेड एंड टू एंड. तो मतलब आपके पास दो रॉड्स है और वो सीरीज में कनेक्ट कर दी गई है. टू रॉड्स ऑफ लेंथ एल एंड टू एल इसकी एल इसकी लेंथ 2L ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज इसकी 2K और इसकी K आर कनेक्टेड एंड टू एंड. इफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द रॉड्स आर इक्वल अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है तो ये बिल्कुल सीरीज में कनेक्टेड है. हमें बोलना इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. तो K इक्वलेंट सीरीज सिस्टम का होता है समेशन ऑफ L डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ L बाय K. ये आपको जबानी याद होना चाहिए. और समेशन ऑफ L हो गया बराबर L प्लस 2L हो गया 3L डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ L बाय K. L बाय K हो गया L बाय 2K प्लस ये हो गया L इट्स 2L डिवाइडेड बाय K. तो अब आप यहां सॉल्व करिए L L L कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर बचा 3 डिवाइडेड बाय तो ये बचा यहां K ये बचा प्लस इट इज 4K एंड डिवाइडेड बाय ये हुआ 2K स्क्वायर. तो यहां पे आप देख लीजिए आप ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 5K डिवाइडेड बाय 2K स्क्वायर. एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा 6/5 K. और जब 6/5 K आप सॉल्व करोगे तो 5 1s are कैरी एंड 5 2s are 10 इट इज़ 1.2K शुड बी द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है. और ये आप याद रखिए फॉर सीरीज कम्बिनेशन के इक्वलन कैसे निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका दैट इज़ अ स्फीयर ए क्यूब एंड अ थिन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. ये एक कंसेप्चुअल है जिसमें कोई न्यूमेरिकल काम नहीं करेगा. ए स्फीयर एंड ए क्यूब एंड अ थिन सर्कुलर प्लेट ऑल आर मेड ऑफ सेम सबस्टेंस. तो सबस्टेंस सेम है तो उसके बाद हैव सेम मास मास भी सेम है. दीज आर एट हीटेड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन प्लेस्ड इन अ रूम. तो आपको बोलना है दैट temperature of the sphere drops to room temperature at last. तो आप इसमें एक चीज जानते हो एक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए दैट इज डेल क्यू बाई डेल टी. डेल क्यू बाई डेल टी जो है दैट इज दैट हीट लॉस्ट होता है जो इमिसिव पावर या रेडिएंट एनर्जी होता है दैट इज ए ई सिग्मा इट इज टी 4 माइनस टी नॉट 4. ये मैंने सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी ले लिया. फिर आप जानते हो बट हम सब जानते हैं डेल क्यू होता है बराबर एम एस डेल टी और फिर मैं यहाँ ड्रॉप करूँ तो ये जो है
मैं टाइम यहाँ स्मॉल टी से लिख दूँ तो इसके हिसाब से बनेगा एम एस डेल टी वर्सेज द चेंज इन टाइम इज इक्वल ए ई सिग्मा इट इज़ टी रेज पावर 4 माइनस टी नॉट रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं. फिलहाल एम एस जो है मैं नीचे लाऊंगा तो ये हो गया हीट लॉस्ट, दैट्स व्हाट कूलिंग हीट लॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हो गया ए ई सिग्मा इट इज़ टी रेज पावर 4 माइनस टी नॉट रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई एम एस. ये आपने जो है बिल्कुल पढ़ा होना चाहिए. तो ये हो गया इमिसिव पावर का इक्वेशन आपका जो स्टीफन्स लॉ में है और फिर डेल क्यों ये है और फिर एमएस मैंने नीचे लाया. यही हो गया रेट ऑफ कूलिंग दैट्स हीट लॉस टेंपरेचर फॉल हो रहा है विद टाइम. अब मुझे आप बोलिए यू आर हैविंग द सबस्टेंस सेम मास. तो अगर मास सेम है सबस्टेंस सेम है स्पेसिफिक हीट सेम है तो सिग्मा तो सेम ही है टेंपरेचर भी सेम है डिफरेंस भी सेम है उसके बाद इमिसिविटी जो है चूंकि सेम सबस्टेंसेज है तो इमिसिविटी भी सेम है. तो यहां पता चला दैट रेट ऑफ कूलिंग इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द बॉडी इन्वॉल्वड. अब सबसे कम जिसका एरिया होगा वो सबसे लास्ट में ठंडा हो जाएगा वो सबसे कम रेडिएशन इमिट करेगा और सबसे ज्यादा एरिया जो होगा वो सबसे ज्यादा इमिट करेगा. ये आप जब चाय भी पीते हो कप में अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नैरो है तो उसको बहुत टाइम लगता है ठंडा होने में और जब वही चाय प्लेट में डालते हो तो एरिया बढ़ता है और वो जो है इमिट करना जल्दी स्टार्ट करता है और फिर कूल भी जल्दी होता है. तो जिसका एरिया कम उसका रेट ऑफ कूलिंग भी जो है वो स्लो होगा. तो इस हिसाब से आप देखो टेम्परेचर ऑफ स्फीयर ड्रॉप्स टू रूम टेम्परेचर. अब आप मैथमेटिक्स ने आपको पता होगा स्फीयर क्यूब और थिन सर्कुलर प्लेट में सबसे कम एरिया स्फीयर का होता है. जब एरिया सबसे कम हुआ तो उसका रेट ऑफ कूलिंग भी सबसे कम होगा. तो टेम्परेचर ऑफ स्फीयर ड्रॉप्स टू रूम टेम्परेचर लास्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्योंकि जिसका एरिया कम उसका इमिसिव पावर भी कम और फिर उस हिसाब से वो कूल भी जो है ज़्यादा टाइम लेगा एट लास्ट. उसके बाद K1 एंड K2 दो मटेरियल्स का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइडेड है. फाइंड द टेंपरेचर ऑफ द इंटरफेस बोथ ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल इन डायमेंशंस. तो इस टेंपरेचर इस जंक्शन का आपको जो है टेंपरेचर चाहिए इंटरफेस का टेंपरेचर. वही तरीका कि आप इसको जो है इसकी थर्मल रेजिस्टेंस लिख दीजिए. तो आपका पहला जो है थर्मल रेजिस्टेंस उसका जो है थर्मल रेजिस्टेंस हो गया चूंकि आइडेंटिकल डायमेंशंस है. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस बोथ ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल इन डायमेंशंस. तो एल बाई के ए के हो गया इसका 200 A ऑफ सेक्शन और मैं आर के बराबर लेता हूँ तो आर टू थर्मल रेजिस्टेंस हो गया एल बाई इट इज 300 A. तो अगर मैं इसको आर के टर्म्स में लूँ तो पहले मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो गया 3R डिवाइडेड बाई 2. सर कैसे देख लीजिए अगर आप आर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से नहीं गलत हो गया 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बनेगा 2R डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 बिल्कुल सही आया. और फिर आप जानते हो कि यहाँ पे आप जो टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से करंट चलेगी तो करंट तो कंस्टेंट होगी तो मैं लिखूंगा 100 माइनस टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस है डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस इधर का और ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस. तो थर्मल रेजिस्टेंस R1 हो गया R इज इक्वल अब यहाँ से जो टेम्परेचर डिफरेंस है करंट तो सेम होगी क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है. इट इज टेम्परेचर दैट इज 100 और ये कितना है यहाँ पे 200. टेम्परेचर डिफरेंस जो है अच्छा चलिए मैं लेता हूँ फिलहाल 200 से ही मैं लेता हूँ ठीक है 200 से ही मैं लेता हूँ. इट इज 200 माइनस टी डिवाइडेड बाय 200 माइनस टी डिवाइडेड बाय आर टू और आर टू जो है दैट्स 2R बाई 3 एंड देन इज इक्वल अब ये हो जाएगा टी माइनस 100. तो ये हो जाएगा टी माइनस 100 दिस द प्रॉपर मेथड डिवाइड बाई आर वन और आर वन जो है वो आर के बराबर है. आर कैंसिल आउट हुआ ये हुआ 3 टू 600 माइनस 3T डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल हो गया टी माइनस 100. क्रॉस मल्टीप्लाइंग द थिंग्स इट इज 600 माइनस 3T इज इक्वल 2T माइनस 200. तो वो इधर लाइए ये हो गया 800 तो ये हो गया 800 इज इक्वल 5T जो है आपका इक्वेशन बनता है और T हो गया बराबर 800 डिवाइडेड बाई 5. तो इट इज 5 वन ज़ा 5 और 3 कैरी हुआ 5 6 ज़ा 30 160 शुड बी द राइट आंसर. बट कोई ऑप्शन नहीं है मुझे लगता है क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर डिफरेंस में गलती है. मुझे लगता है इट शुड बी 100 एंड इट शुड बी 20. अगर आप 100 एंड 20 के हिसाब से देखोगे आई गारंटी यू कि यहाँ से कोई ऑप्शन आ जाएगा. बट आई बिलीव दैट दिस जो है एडिशनल जीरो यहाँ पे आने की वजह से क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल गया. विल चेक इट फॉर 100 एंड सो दैट आप इसमें मेथड जो है अच्छी तरह से समझ लो. मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ. आप देखो 100 ये 20 में लेता हूँ तो 100 माइनस टी के हिसाब से अगर हम सॉल्व करें 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई आर वन तो आर वन जो आपका है
that is r, and then finally t minus 20, it's t minus 20 divided by r2, and r2 jo hai aapka, that is 2r by 3. We'll check it for that. rr cancel out hoga, to ye banega 100 minus t is equal, ye bana, it is 3t, and 3t minus 60, to wo laiye idhar aap, to ho jayega 160 is equal to 4t, and t ho gaya barabar 160 divided by 4, to 4 fours are 16, and 4 fours are 16, 40, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं है, 4 fours are 16, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कहीं कहीं ना कहीं जो है ये टेम्परेचर डिफरेंस में कोई चीज़ तो गलत है, दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग अ रॉन्ग आंसर हियर. हो सकता है ये यहाँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो, बट तरीका यही है कि सीरीज़ में जो करंट है वो सेम रहता है, और तरीका यही है कि टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने इसका एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन किया था जिसमें आपका एक कंडक्टर फिर स्प्लिट हुआ था, और मैंने वहाँ किरचॉफ्स लॉ से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था. देयर शुड बी सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, वी विल टेक केयर ऑफ दैट लेटर ऑन. एंड देन द टू एंड्स ऑफ द मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर्स 100 एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेट ऑफ हीट फ्लो. आपके पास एक मेटल रॉड है, और आपने उनका टू एंड्स ऑफ अ मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेट ऑफ द हीट फ्लो इन द रॉड इज टू बी, तो यहाँ जो रेट ऑफ हीट फ्लो है दैट इज डी क्यू बाई डी टी, जो है हीट करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है दैट्स 4 जूल पर सेकेंड. फिर आपसे पूछा जा रहा है द एंड्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर्स, अब आपने टेम्परेचर्स जो दो एंड्स के टेम्परेचर बदल दिए, आपने एक का कर दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का आपने 210 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, अब बोल रहा है रेट ऑफ हीट फ्लो. देख लीजिए, अगर आप डिफरेंस यहाँ देखोगे वो 10 डिग्री का है, यहाँ पे भी 10 डिग्री का है, और आपका जो रेट ऑफ हीट फ्लो का जो करंट होता है ना, दैट्स ओनली प्रोपोर्शनल टू वन थिंग, एंड दैट्स टेम्परेचर डिफरेंस, एंड दैट इज ओनली टेम्परेचर डिफरेंस. क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो रेट ऑफ हीट फ्लो भी सेम रहेगा. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट्स अ लिक्विड ऑफ मास एम एंड स्पेसिफिक हीट सी इज हीटेड टू अ टेम्परेचर टी, तो आपके पास एक लिक्विड है जिसका मास एम है, स्पेसिफिक सी है और टेम्परेचर टी है, तो अनदर लिक्विड ऑफ मास एम बाई टू एंड स्पेसिफिक हीट टू सी, अनदर लिक्विड ऑफ मास आपका जो है एम बाई टू है, स्पेसिफिक हीट टू सी है, इज एट टेम्परेचर टू टी. हमें क्या पूछा गया, इफ दीज टू लिक्विड्स आर मिक्सड, आपने इनको मिक्स किया, देन द टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो टी इक्विलिब्रियम. तो अगर आपको याद होगा मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला पीछे दी थी, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है समेशन ऑफ एम एस टी एंड डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम एस. ये मैंने आपको तरीका दिया था जब मैंने वो इक्विलिब्रियम 26 डिग्री वाला क्वेश्चन किया था, मैंने लास्ट में ये फॉर्मूला लिख दिया था. तो इस क्वेश्चन का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऐसे सिस्टम का एम एस टी हो गया ये एम सी टी प्लस, इसका एम एस टी हो गया एम बाई टू, ये हो गया 2c into 2t एंड डिवाइडेड बाई हो गया एम एस एम सी प्लस, दूसरे का हो गया इट इज़ एम बाई टू इंटू टू सी, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हुआ 2 MCT प्लस MCT हो गया 3 times MCT डिवाइडेड बाई इट इज़ 2 times MC, MC कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर शुड बी 3t/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ गोल्ड डेंसिटी दिस इज दिस इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर डेंसिटी दिस ऑफ द सेम साइज इन द सेम लिक्विड. तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको जबान याद होना चाहिए, इट्स 2/9 r², इट इज सिग्मा माइनस रो इनटू जी डिवाइडेड बाय नीटा. अब टर्मिनल वेलोसिटी पहले केस में 0.9 है, 2/9 इज कांस्टेंट, रेडियस भी सेम है, नीटा भी सेम है, जी भी सेम है, तो 0.2 पहले केस में डेंसिटी इसका स्फीयर का 19.5 माइनस लिक्विड का डेंसिटी जो है इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.5. दूसरे केस में अब आप टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, और अब आपको बोला गया है कि डेंसिटी बदल गया है स्फीयर का 10.5 माइनस सेम लिक्विड में 1.5, तो अगर आप ये सॉल्व करोगे 19.5 माइनस दिस ये होता है 18 डिवाइडेड बाय ये हुआ 9, सो 9 2 18, तो नया टर्मिनल वेलोसिटी होना चाहिए 0.2/2, इट्स 0.1 m/s शुड बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही है. तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था. उसके बाद ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, द डिजाइन ऑफ अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स दैट देयर बी अ कांस्टेंट डिफरेंस इन लेंथ ऑफ 10 cm. जब भी आपको थर्मल एक्सपेंशन में कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट डिफरेंस इन लेंथ मिले, कांस्टेंट डिफरेंस वट एवर विल बी द चेंज इन टेम्परेचर बट द डिफरेंस इन लेंथ इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तब एक कंसेप्ट याद रखना दैट L1 α1 इज इक्वल टू L2 α2. वी यूज टू डिराइव इट इन क्लास 11th, हम इसको क्लास 11th में डिराइव करते हैं कि वट एवर बी द चेंज इन टेम्परेचर बट द डिफरेंस इन लेंथ रिमेन सेम, देन द फॉर्मुला वैलिड इज ऑलवेज L1 α1 is equal to L2 α2. अब आपको the design of a physical instrument requires that there should be a constant difference in length of 10 cm between an iron and a copper rod. तो मान लो आपके पास ये एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है, एंड देयर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस इन लेंथ. अगर मैं कॉपर लेता हूँ या आयरन लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आयरन की लंबाई में अगर एल लेता हूँ बच्चों, तो ये हो गया डिफरेंस इन लेंथ यहाँ 10 cm का रहा, कांस्टेंट 10 cm, टेम्परेचर आप कितना भी चेंज करो. तो फिर अगर आप आयरन की लेंथ ढूंढने बैठे तो वो होगा L + 10 cm, ये इसका कंसेप्ट है. अब अगर ऐसा है तो L1
अल्फा वन होना चाहिए, एल वन अल्फा वन होना चाहिए, एल टू अल्फा टू वी यूज्ड टू डेराइव इट इन क्लास 11। एल वन हो गया आपका पहला, दैट्स कॉपर का, और कॉपर का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई दैट इज कॉपर का लेंथ, तो मैं लिखूँ एल कॉपर। तो अल्फा कॉपर आप देखिए, अल्फा कॉपर हो गया 17 × 10⁻⁶ इज इक्वल, एल टू हो गया आपका आयरन का, और आयरन का हो गया फिर ये एल प्लस 10, क्योंकि डिफरेंस इन लेंथ की वजह से एल प्लस 10 आ गया। और आयरन का अगर आप देखोगे इट इज 11 × 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 17 × एल कॉपर इज इक्वल, एल कॉपर इज इक्वल दैट इज एल कॉपर क्यों लिखूँ मैं, आप मैं यहाँ लिखूँ एल तो ठीक है, और एल ही हमने कॉपर का लेंथ लिया तो एल प्लस 10 के हिसाब से, तो अब हमारा लास्ट में एल जो आएगा वो कॉपर के रिलेटेड होगा। इट इज 17 × एल इज इक्वल, ये हुआ 11 × एल प्लस 110, तो ये आ जाएगा इधर 17 − 11 होता है 6L इज इक्वल 110। तो अगर आप एल निकालोगे विच इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द कॉपर इन्वॉल्व हियर, तो वो होगा 110 डिवाइडेड बाई 6, और वो होता है शायद 18.3 सेंटीमीटर के करीब, 18.3 सेंटीमीटर। तो आयरन का लेंथ जो होना चाहिए दैट इज एल सी प्लस 10, तो वो होना चाहिए 18.3 + 10, एंड ये हो जाएगा 28.3 सेंटीमीटर शुड बी द राइट आंसर, 28.3 सेंटीमीटर शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वट एवर बी द चेंज इन टेम्परेचर, द डिफरेंस लेंथ जब भी आपने मार्केट में पढ़ोगे सेम था फॉर्मूला एल वन अल्फा वन इज इक्वल एल टू अल्फा टू के हिसाब से इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद एसेंशियल रीजन है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड, बिल्कुल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उस चीज पे डिपेंड ही नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, बोथ आर करेक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब आप सॉलिड का जो इंक्लिनेशन बदल दोगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज नहीं होता, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड एंड दैट रॉड इन्वॉल्व्ड। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर राइजेज इन अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब आफ्टर हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो हाइट जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है, 2 सेंटीमीटर हाइट तक आपका लिक्विड राइज कर रहा है इनिशियली जब आपने वर्टिकली प्लेस किया। इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो देन द न्यू हाइट देन अप टू व्हाट लेंथ द लिक्विड विल राइज, तो लेंथ निकालना है। तो अगर आप देखोगे एक ट्राइंगल बना, ये एक ट्राइंगल बना जिस ट्राइंगल का जो हाइट दिया है वो 2 सेंटीमीटर के जो इक्वल दिया गया है, तो अगर लेंथ दिया गया है 2 सेंटीमीटर के बराबर तो उसका ये मतलब है, और ये एंगल वर्टिकल के साथ 60 डिग्री दिया गया है, तो आपको ये लेंथ निकालना है। दिस एल यू हैव टू कैलकुलेट बिकॉज टॉप सरफेस तो बराबर लेवल पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, तो मुझे बोलिए आप इट इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूस दैट्स 2/L, इट इज़ ऑलवेज कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 हमेशा 1/2 होता है, और एल हो गया बराबर 4 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ अप टू विच द लिक्विड विल राइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, द यंगेस्ट मॉड्यूल्स ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज दिस इफ द लेंथ एंड रेडियस आर रिड्यूस्ड, तो कुछ भी करिए यंगेस्ट मॉड्यूल्स विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज यंगेस्ट मॉड्यूल्स इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस, सो इट विल रिमेन सेम। तो यंगेस्ट मॉड्यूल्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मटेरियल का होता है, लेंथ या वॉल्यूम चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड वो आंसर शुड रिमेन वाई। उसके बाद 20 सेंटीमीटर लॉन्ग capillary tube is dipped in water, the water rises up to 8 cm, the entire arrangement is put in a, it's a freely falling, ठीक है, it is freely falling elevator, freely falling elevator में, तो इसमें क्या होता है, freely falling elevator में effective acceleration due to gravity becomes zero, तो g effective जो है, इस केस में zero बन जाता है, और जब g effective zero बनता है, liquid will rise to the full of the length of that tube involved, but will not flow as a fountain, so answer is, जितना length होगा, उतना 20 cm तक rise करेगा, because in such cases, g effective becomes zero and liquid rises up to the top, उसके बाद बाहर फ्लो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, a wire of diameter 1 mm breaks under a tension of 1000 newton, another wire of the same material as that of the first but of diameter this, तो आपको पता होना चाहिए that breaking tension जो है it's directly proportional to area square, सर कैसे, y is equal एफ एल बाई ए डेल एल, तो इस हिसाब से एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर है, ए के बराबर है, ए के बराबर एफ इज सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो पहले आपका ब्रेकिंग टेंशन जो वो 100 है, नहीं ब्रेकिंग टेंशन पहले 1000 है, दूसरी बार निकालना है, पहले जो है एरिया जो है डायमीटर है वो 1 mm का, फिर स्क्वायर क्योंकि एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो उस हिसाब से ये 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई दूसरी बार वो 2 है, 2 mm है, तो 2 स्क्वायर हो गया 4, सो 4 × 1000 हो गया 4000 newton शुड बी द राइट आंसर, 4000 newton जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है क्लॉक, ये बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है टेस्ट सीरीज में, दैट्स अ क्लॉक वेल कीप्स correct time at 30 degree centigrade has a pendulum rod made of brass, the number of seconds it gains or loses, तो जो gain or lose है per second when the temperature falls to 10 degree centigrade, तो जो gain or lose होता है उसका formula होता है half of alpha del theta that temperature difference into that loss or gain, तो ये हम देखेंगे। तो जो आपका आपका जो question है the number of seconds it that gains or loses that is equal to 1/2, alpha is provided, alpha आप देख लीजिए it is 18 × 10⁻⁶,
एक्स इंटू डेल टी, टेम्परेचर डिफरेंस 30 से आपने क्या चेंज किया 10, इट इज़ 20, एंड फिर पर सेकंड की बात चल रही है तो पर सेकंड जो है मल्टीप्लाई 1 करना. अगर अगर पर डे होता तो अकॉर्डिंगली ड्रॉप करते, पर आवर होता तो अकॉर्डिंगली ड्रॉप करते, पर सेकंड के हिसाब से जाना है आपको. तो यू हुआ 2 10s, इट इज़ 20, एंड देन इट इज 18 × 10⁻⁵ शुड बी द राइट आंसर. 18 × 10⁻⁵ सेकेंड इज द लॉस आर गेन. उसके बाद वन स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर डेंसिटी डी रिलीज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी d/2 अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी v. अनदर, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, इट इज 2/9, इट इज आर स्क्वायर, इट इज सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाई नीटा. आप क्वेश्चन बोल रहा है वन स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस दिस डेंसिटी दिस रिलीज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी d/2 अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी v. अनदर बॉल ऑफ रेडियस, तो रेडियस दिया है 2/9 इज कांस्टेंट, नीटा इज कांस्टेंट, रेडियस के हिसाब से जी इज कांस्टेंट, बाकी डेंसिटीज. चलिए, तो पहले टर्मिनल वेलोसिटी वी है इज इक्वल आर स्क्वायर, पहले का रेडियस है आर, तो हो गया आर स्क्वायर, पहले डेंसिटी है डी और फिर है बराबर डी माइनस टू, तो ये हो गया पहला. उसके बाद आपको बोल रहा है कि नया टर्मिनल वेलोसिटी बोलो, तो वी डैश इज इक्वल, अब आपका रेडियस दुगना हो चुका है तो डिवाइड बाई ये हुआ 2r का होल स्क्वायर, और उसके बाद आपका डेंसिटी जो है पहले 1.5d है और इन द सेम लिक्विड, मतलब इन द रिलीज इन द सेम लिक्विड d/2. तो अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये बना v by v dash, तो ये r square cancel, ये हो गया 1/4. ऊपर देखिए आप, ये हो गया 2d, it is only d/2 here, it is only d/2 here, it is 2, yes बिल्कुल d/2 हो गया, ये हुआ 3 and it's only d here, तो d कट जाएगा, तो ये बना 1/8, cancellation आप कर सकते हो, v dash हो गया 8, v is the right answer of this question. तो option number 4th जो है, formula based question है, आराम से किया जा सकता है. question number next जो है, 27 raindrops of same diameter fall through air with terminal velocity, तो 27 छोटे-छोटे raindrops जो है, वो जो है टर्मिनल वेलोसिटी वी से फॉल कर रहे हैं. इफ दे आर कोलिस्ट फॉर्म ए बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो हमें क्या बोल रहा है कि देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट ड्रॉप. देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, दैट इज वेरी मच क्लियर. तो अगर हमें बड़े ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप टू द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, दैट्स वी. तो वी दिया गया है इज इक्वल टू द बड़े ड्रॉप का रेडियस हो गया आर स्क्वायर बाई स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस हो गया आर स्क्वायर. फिर आप जानते हो कि आर इज कनेक्टेड विद एन 1/3 इंटू स्मॉल आर बाई वॉल्यूम और मास कंजर्वेशन, तो ये हो गया एन रेज पावर 2/3, क्योंकि इसका एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने सॉल्व किया, तो ये आर आर स्क्वायर जो है कर जाएगा. तो वी वी डिवाइडेड बाई वी हो गया बराबर एन, आपका 27 है, रेस्ट पावर है 2/3, तो ये बनेगा 8³ रेस्ट पावर 2/3, 3 निकल जाएगा, 9 आ जाएगा. वी वी जो है बड़े ड्रॉप का, 9 वी शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, ये यहाँ एक गलती हो गई थी, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर में बोला गया है दिस इज नथिंग, इट इज 52.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जब ये मीटर में है तो ये कैसे ज्यादा हो सकता है मीटर्स में. तो वाटर इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर टू अ हाइट ऑफ 3 meters, द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑर्फिस एंड द बीकर इज 0.1. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का स्क्वायर निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का स्क्वायर निकालना है, और आपको पता होना चाहिए जो फॉर्मूला, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है दैट इज 2gh डिवाइडेड बाय 1 माइनस a डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर. क्योंकि ये रेशियो जो दिया गया है टॉप सरफेस और इस होल का जो है, पंक्चर्ड होल का जो है, वो बहुत कम है, इसलिए ये टर्म जो है वो नेग्लेक्ट हो जाता है और ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बनता है सीधे रूट ऑफ 2gh के बराबर. तो जब ये रूट ऑफ 2gh के बराबर बना, द स्क्वायर ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट, तो हमें स्क्वायर ऑफ द स्पीड ही निकालना है इफ्लक्स का, तो वो होगा बराबर 2g हो गया h, जी हो गया 10 और एच हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. अब हाइट होता है ऊपर जितना लिक्विड है वो हाइट आप निकाल के दीजिए. देख लीजिए आप सब, ये 3 मीटर है और ये 52.5 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनेगा 0.52 मीटर, तो 0.5 मीटर के करीब. तो 3 में से 0.5 माइनस करिए तो बना 2.5 मीटर. अगर ये 2.5 मीटर है तो मैं यहाँ 2.5 मीटर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड जो होल के ऊपर है, तो ये हुआ 5 × 10, इट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का स्क्वायर जो है वो 50 होना चाहिए, शुड बी द राइट आंसर. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका, दैट इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, बिल्कुल सही है. सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस टेंपरेचर बढ़ाने से कम होते हैं. कोहेसिव फोर्सेस बिकम लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, तो ये गलत है. तो इंक्रीजेस कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज होता है, ये गलत है, क्योंकि कम होता है तभी तो सरफेस टेंशन कम होता है. तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स. तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस कंप्लीट्स आवर इंट्रैक्शन. इसमें एक क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम थी मैंने बोला वहां कुछ तो प्रॉब्लम है जो टेंपरेचर डिफरेंस, अदरवाइज द मेथड वी हैव यूज्ड बिल्कुल करेक्ट है. एंड दिस कंप्लीट्स योर इंटरेक्शन. थैंक यू सो मच.